नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं हार्ड वर्क पे। पुत्र मेहनत कर, नहीं तो बहुत मुश्किल से जिंदगी चलेगी। यह हार्ड वर्क क्या होता है और क्यों करते हैं हम हार्ड वर्क? ये क्या लफड़ा है साला? जिंदगी का एक ही मकसद है यार, पागल हो जाओ बस। हार्ड वर्क करो, वर्क नहीं करो। जैसे सांस लेनी है, कैसे सांस लो? बहुत ताकत लगाओ। तो क्या मतलब है? आप आईसीयू में हैं। तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जिंदगी में आईसीयू बना रहे हैं अपने लिए। यानी कि हार्ड वर्क का उलट हुआ सहज, सिंपल यार, थोर प्लेन चल रहे हैं। अब ये हार्ड वर्क करने से क्या क्या फायदे हैं? है तो एक भी नहीं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये हार्ड वर्क करने का नतीजा क्या है और जीवन में ऐसी मारामारी क्यों मचती है। ये हमारे जो माता पिता होते हैं, जो समाज होता है हमारा, ये मजबूर कर देता है हमें हार्ड वर्क करने के लिए। हार्ड वर्क क्यों करो? बेटा ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा। तो पहला केंद्र हमारे हार्ड वर्क का पैसा। हमें ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए? हमें पैसा ज़्यादा इसलिए चाहिए, बेटा हमने तो बहुत दुख भोगे, बेटा तू ना भोगे। यानी कि बेटा हम तो बेवकूफ़ थे और हम तुम्हें भी बेवकूफ़ बना के छोड़ेंगे। और कुछ लोगों से वैसे माता पिता जीवन भर जलते रहते हैं, यार इन्होंने इतनी मेहनत नहीं की, इन पे भगवान की बड़ी कृपा है। यानी कि सहज रहने के लिए कृपा चाहिए। एक तरफ पैसा है, एक तरफ कृपा है। तो यानी कि अगर आप पर कृपा है, एक आम शब्द समझिए कि यार आप पर कृपा है तो आपकी सांस फर्स्ट क्लास चलेगी। आप पर कृपा है तो यार भूख फर्स्ट क्लास लगेगी, और कृपा है तो यार खाना हजम बढ़िया होगा, साली नींद कैसे नहीं आएगी। यानी कि हार्ड वर्क के दम पे हम अपनी नींद खराब करते हैं, हर हालत में भूख प्यास चैन हराम करते हैं, और कुछ समय के बाद यह हालात होता है कि हमारी सांस उखड़ जाती है। इस हार्ड वर्क के मुद्दे के ऊपर हमें सबसे पहले जानना है कि यह हार्ड वर्क करने से हमें मिलता क्या है। अब एक व्यक्ति मान लेते हैं 8 घंटे काम करता है, 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 400 रुपये कमाता है, 30 दिन का काम करता है, 12,000 रुपये इसके हाथ पल्ले आए, और वो बड़े मज़े में ज़िंदगी जी रहा है भाई, जैसी वाली भी जी रहा है। लेकिन चमको यानी कि दुनिया, मुन्ना हाय मेरा मन, ये जीने नहीं देता। कहता है यार साले ये तो है ही, ये तो नाव में है, अबे पास्ट में सोच और भविष्य में जा, अभी में तो रह ही मत, ये सोच इसके आगे जीरो कैसे लगेगा। तो बड़ा कार्यक्रम चलता है समय के साथ, यार दोस्त समझाते हैं, माता पिता सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ होते हैं जो नाश पीटते हैं वो सिखाते हैं, फिर कंपटीशन आ जाता है और उसे साले ये भी कोई ज़िंदगी है, 2 कमरे के फ्लैट में रहते हो, 3 में रहो, बहुत बढ़िया यार मैं 10 घंटे काम करूँगा। 10 घंटे काम किए, 2 घंटे मैंने अपने जीवन के तन और मन को जो चल रहे थे उसमें से रिड्यूस कर दिए। अब 2 घंटे के हिसाब से मैंने 800 रुपये एक्स्ट्रा कमाए, और एक्स्ट्रा पैसे कितने हो गए? 8 + 30 दिन के हुए ना, 2400 रुपये और आ गए। ये मैंने हार्ड वर्क करके कमाया। हार्ड वर्क का 101% रिजल्ट मिलता है, ये गारंटी है, 101% मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2400 रुपये आ गए हमारे पास एक्स्ट्रा। अब इस एक्स्ट्रा का हम करें क्या? एक्स्ट्रा को समझें, 12,000 में चाहे रो के चाहे पिट के जिंदगी चल रही थी। आप देखेंगे जिंदगी में आप रो रहे पिट रहे, यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा, पर जी रहे हो। चलो कैसे जी रहे हो? जिसके पल्ले 1 लाख है वो भी यही कह रहा है, जिसके पल्ले 1 लाख गया वो भी यही कह रहा है, और जी सब रहे हैं। अबे तो मरी जाओ ना इससे, तो भाई जाओ 8वीं मंजिल पे और कूद जाओ। जी या नहीं जा रहा? जी सब रहे हैं। कौन रोता है यार जिंदगी नहीं चल रही? मुन्ना रोता है, मन रोता है। कौन रुलाता है? चमको। तो किसी लायक नहीं है, नाकाबिल? तूने किया क्या है जिंदगी में? अपने भाई को देख, मामा को देख, तेरी लाइफ कचरा है। बीवियां भी ऐसा करती हैं, पति भी बीवियों को डाउन करते हैं, ये नॉर्मल बात। तो ये 2 घंटे की कुर्बानी करके हमने अपने जीवन में 50 साल लगा लेते हैं, जीवन के 50 साल, इसमें हमने एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा किया। ये हमारा पैसा कोटे का समझ ले, 3 हिस्से होते हैं, ये गारंटी है, बाय द बुक है, 8 या 24 घंटे, एक हिस्सा तन का होता है, एक मन का और एक धन का। आप 1,00,000% लगा ले, आपने ये 50 साल के जीवन के अंदर 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से तन और मन में से चुराए हैं, और अल्टीमेटली या तो मन की मौत को मरोगे, एक ऐसा मकान खरीद लोगे जिसको जिंदगी भर भोग नहीं पाओगे। यार एक प्लॉट ले आओ गुड़गांव में भाई, बस मिलने वाली पोजेशन। फिर वो बुड्ढे अंकल कहते हैं ए प्लॉट तो लिया था गुड़गांव में, पोजेशन मिल गई, करें क्या, वो पोते खाते हैं। ऐसे ही कई लाखों रुपया होता है
जो हमारे तन पे जाता है। यार हम बीमार पड़ते ही क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है बॉडी बीमार पड़ रही है, पहले तो थे नहीं। कुछ तो गड़बड़ हम करते हैं कि 20 साल 30 साल में हम बीमार नहीं होते, फिर 40 50 60 फिर 70 80 पे ले यार हॉस्पिटल। यार ये गंगाराम का हमने ठेका ले रखा है, सब बंदों ने फोर्टीज के पैसे कमा रखे हैं, यार ये कहाँ से आते हैं, ये हार्डवर्क से आते हैं। आप ये गांठ बांध लें, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जितने लोग गंगाराम एस्कॉर्ट्स और बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं वो सारे के सारे लाखों में बिल देते हैं, कोई ढाई रुपये में बिल दे के नहीं आता वहाँ से। यानी कि कोई रिक्शे वाला नहीं जा सकता वहाँ, भले ही सड़क पर मर जाए। इसका मतलब जो ये फालतू आपने मेहनत हार्डवर्क किया है ये सारे के सारे तन के खर्चे ले जाता है, अपने हिस्से का तन और मन धन को ले ही जाता है। इसीलिए अक्सर बहुत गरीब आदमी आप देखेंगे गरीबी के ड्रामे करता है पर उसको खाना भी पचता है। मैं बहुत मोटे तौर पर कह रहा हूँ, छोटे तौर पर नहीं। और चिंता करने वालों के जीवन में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, और चिंता कौन करता है, हार्डवर्कर। यार बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, बहुत जोर लगा के करेंगे, पेपर देना है बहुत जोर लगा के देना है। एक बार एक व्यक्ति बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया, कंपनी का सीईओ बन गया, और इतना पैसे वाला होने के बाद भयंकर बीमार। अब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बात करी, उसने बोला डॉक्टर साहब मुझे दौरे से पड़ते हैं, गुस्से के तनाव के, घर वाले भी परेशान हैं और मैं हर समय क्रोध में रहने लगा हूँ, इस कारण मुझे बीपी और शुगर फ्री गिफ्ट है, भगवान ने दे रखी है, मूलाधार और स्वादिष्ठाना देते हैं। बोले दे रखी है क्योंकि बहुत देर रहते हो वहाँ, वो कहते हैं लो बीमारी पिंच होते हैं। अब क्या करूँ मैं, तो बोले क्या होता है, बोले दौरा सा पड़ता है अचानक किसी से बात करते हुए, और कोई भी बात स्पेसिफिकली जो मेरे घर या परिवार से जुड़ी हो उसमें अत्यधिक क्रोध और क्लेश आता है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कोई हादसा हुआ कुछ महीने पहले, बोले हाँ जी एक साल पहले मेरा भाई गुजर गया था। बोले तब भी तुम कंपनी के सीईओ थे, बोले जी वेरी रिच, कितना काम करते थे, बोले दिन रात काम, कंपनी को इस ऊंचाई पर लेकर गया हूँ, दिन रात काम, हजारों करोड़ का कंपनी बन चुकी है, कोई गाड़ी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से कम नहीं है। बोले तो फिर क्या हुआ तुम्हारे भाई का, जी मौत हो गई थी, एक साल पहले मौत हुई तो तुम कहाँ थे, मैं ऑफिस में था, फिर क्या किया, जी मैं उसी टाइम भागा सरपट और उसकी मौत अटेंड करी। इसका मतलब तुम इमीजिएटली उसी समय वापस काम पर आ गए होंगे, जी सर बिल्कुल सही करें डॉक्टर साहब आप। बोले क्यों, बोले हार्डवर्क बहुत काम करना पड़ता है, ऐसे आसानी से ये ऊँचाइयाँ नहीं मिलती। बोले यार बड़ा गड़बड़ है, तो एक साल से तुम्हारी बॉडी रोने को तड़प रही है, तुमने उसे रोने नहीं दिया, बॉडी एक साल से रो रही है कि मुझे तड़पने दे, मेरा भाई गुजरा है, मुझे उस मौत का जश्न मनाने दे। रो रो के जश्न मनाता है मनुष्य, उससे दिल हल्का हो जाता है। बोले एक साल से तुमने ये नहीं किया, बोले जी टाइम ही नहीं मिला। और एक ही साल से बीमारी है आपके शरीर में, जीवन में जितनी बीमारियां हैं बॉडी तड़पी हुई है किसी काम के लिए। पहले की क्लासेस में हम बता चुके हैं कि कौन से वजह से कौन सी बीमारी आती है, पुरानी क्लासेस देखें नहीं तो समय लगा बात करेंगे। इसलिए दिल में गिल्ट ग्रीफ क्लेश दुख है और आप रो नहीं रहे हैं, बॉडी बीमार पड़ जाएगी और दिल छोटी छोटी बात पे उदास होगा, इसको डिप्रेशन कहते हैं। आपने परेशानी को भोग के खत्म नहीं किया, बॉडी ने भोग लिया, खत्म हो गया, फ्री हो गए। अब क्या हो रहा है, एक साल से वो रोक रहे हैं, बड़ा हार्डवर्क हो रहा है, नहीं रोना नहीं रोना, रोना नहीं है। इसीलिए पुरुष बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और जल्दी पड़ते हैं क्योंकि रोने में उन्हें शर्म आती है, और स्त्रियां कहती हैं यही तो मुझे आता है, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ती और मरती भी नहीं आसानी से। मैं ये नहीं कहता ना मरे, जिए, माता है हमें जन्म दाता है देने वाली जन्म। इस कारण स्त्रियों के पास ये बहुत बड़ा गुण है, ऐसी कई बीमारियां जो स्त्री को नहीं लगती। आप कोई भी स्त्री देख के ये कहें बड़ी रोती पिटती है, बड़ी हिम्मत चाहिए रोने के लिए। जो पुरुष रोता पिटता नहीं है, यानी कि रोना पिटना हाय हाय वाला नहीं, यानी कि दुख मनाल के बता देना बॉडी के थ्रू, अंदर अंदर रोते हैं आदमी, बाहर नहीं गिरने दूंगा एक भी, जो बाहर गिरता है वो क्या है, जल तत्व। जल तत्व क्या है, स्वादिष्ठाना, स्वादिष्ठाना में क्या रहता है, ईगो। स्त्रियों की ईगो झरझर बाहर आ जाती है, इसलिए वो इतना सहती है, पुरुष को पति को घर देती है, बच्चों को पालन पोषण करती है, सिर्फ इस दम पे कि उसमें रोने की शक्ति है, पुरुष के पास ये शक्ति नहीं है, वो शर्माता रहता है। इस कारण से आपकी बॉडी ने कोई चीज को माना करना है उसे करने दो। आपका मलमूत्र त्यागना क्या करते हैं आप, कितना कितना हार्डवर्क करोगे, नहीं करेंगे, आज नहीं जाएंगे शुशु, आज पॉटी नहीं करेंगे, बॉडी तबाह हो जाएगी। आप बॉडी को भूखा रखेंगे, ये हिंसा है, व्रत रखना एक हिंसा है, नहीं आज हमारा ये फलाना व्रत है, जैसे लोग हिंसा करते हैं, आपने देखा होगा माता के दिनों में, नौ दिनों में, बहुत से मेरे मित्र, मेरे ब्रैकेट में शराबी मित्र भाई भाई लोग, नहीं नौ दिन माता रानी के, दसवें दिन बॉटल खाली, बॉडी को नौ दिन पीने नहीं दे रहे और बॉडी तड़प रही है, उनको जरूर पंगे पड़ते हैं।
सहज नहीं रहते, बहुत जोर लगा के रोकते हैं कि 9 दिन भाई साहब ये करना नहीं है, आज नहीं प्याज देखेंगे, आज नहीं मुर्गा देखेंगे, आज तो भाई साहब व्रत है। आपने सहज और सरल होकर ये कार्य किया तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे जैनिज्म को जन्म देने वाले महावीर भगवान ने श्वास के ऊपर प्राणायाम तक को मना कर दिया था कि प्राणायाम भी मत करो, जरूरत ही नहीं है, सहज रहो, उसमें भी हिंसा है, जिद नहीं करनी और कदे गाल नहीं करनी। तो आपने जितने जीवन के अंदर एक्स्ट्रा आवर्स लगाए हैं हार्डवर्क करने, मुझे तो घर बनाना है, मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे तो दिमाग से हाय हाय, ऐसे बहुत से लोग हैं जो शरीर से कुछ नहीं करते। इसमें दो शब्द हमारे एक्स्ट्रा आते हैं, एक होता है मेहनत चोर, एक होता है काम चोर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शरीर से काम करके राजी नहीं, उनके माता पिता भी यही कहते हैं सारा दिन पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, क्या करें, वो बहुत कुछ कर रहा है, वो अंदर बहुत हार्डवर्क कर रहा है, उसकी खोपड़ी में बहुत जोर चल रहा है, मैं करूं, मैं नहीं करूं, कर लिया सफलता तो मिलनी नहीं है, सपाट कमांड है उनकी, सफलता तो मिलनी नहीं है, क्या फायदा करने का, करते ही नहीं है, छोड़ो, और वो अंदर हार्डवर्क चल रहा है। ऐसे लोगों के शरीर के अंदर वीकनेस बहुत रहती है, इम्यूनिटी लॉस होता है, हाथों से विशेष तौर पे पसीने आते हैं, पैरों के तलवों से बहुत पसीने आते हैं उनके, और यहाँ से भी आ जाते हैं कई बार तो तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कामचोर बन जाते हैं कि काम करना ही नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में, कि करना ही नहीं क्योंकि रिजल्ट से डरे बैठे हैं। अब कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता में कह डाला, भाई रिजल्ट मेरे हवाले है, तू रिश्वत दे मुझे, सिर्फ मेहनत की। अर्जुन ने बाण चलाने के लिए गांडीव नीचे रख दिया कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, यह है कामचोर। अर्जुन मेहनत चोर नहीं था, थोड़ा सा पंप करने की जरूरत थी, जब वो चला तो मेहनत पे चलता रहा। मेहनत चोर होने का मतलब आप काम करते हुए मर पिट के, रो पिट के, मर पिट के, हाय हाय मचा के काम करते हो और यहां आप हिलते ही नहीं। जब आप कामचोर होते हैं और आप काम के लिए हिलेंगे ही नहीं तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, यानी भाई युद्ध तो करना पड़ेगा। आप कामचोर क्यों होते हैं, कौन जाए बात करे यार, बड़ी बेइज्जती होती है, खराबी लगती है, इज्जत बेइज्जती के ऊपर बात आ जाती है, ईगो आ जाती है बीच रास्ते के अंदर, बहुत बड़ा लफड़ा फंसता है इसका। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, पता नहीं यार मैं दूसरे की नज़र में खरा उतरूंगा कि नहीं, या तो मेरी ईगो सेट हो या दूसरे की ईगो सेट हो, और हम ईगो में फंसे फंसे काम के चक्कर में मरते हैं। कौन कर रहा है मुकाबला, चमको, किसी ना किसी ने हमारे बचपन से खोपड़ी में डाला है मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, ये करो, और होता होता है नहीं। इसलिए यदि आप मेहनत चोर हैं तो आपकी लाइफ में आप धनुष नहीं उठाएंगे, युद्ध ही नहीं करेंगे और तबाह होंगे, इसलिए हिलना तो पड़ेगा। अगर बॉडी हिलेगी तो मुन्ना उसको काबू नहीं कर पाएगा। मुन्ना कौन है, मन। मन कौन है, जो एलियन है, जो हम नहीं है, हमारे अंदर बैठा है कैसा दुश्मन। बॉडी के लिए ठीक नहीं होता शुगर खाना, मन कहता खा। जब मुन्ना को बॉडी मिलती है, इस मन को बॉडी देता है ईश्वर के, काम कर धरती पे जाके, अब तू देवता जोन से नीचे चला गया या प्रेत जोन से नीचे चला गया, तेरे पास तन भी है, तो वो क्या करता है, पागल हो जाता है, कहता है मैं पूरा कब्जे में करूंगा। समय के साथ उसको पता चलता है यार ये जो बॉडी मुझे मिली है साला इसके पास भी ब्रेन है, मैं चाहता हूँ जागे रहे, बॉडी कह रही सोऊंगी। तो जब वो पछाड़ सा खा जाता है तो वो क्या करता है, बॉडी के अंग खाता है, बॉडी को तंग करता है, जैसे अंदर बैठे हमसे लड़ रहा है, हमें बीमार कौन डालता है, डॉक्टर क्या कहता है आपको बीमार किसने डाला, बोले वो पड़ोस पड़ोस वाले भाई साहब आए और उन्होंने आपको बीमारी लगा दी। कोई नहीं लगाता बीमारी, कौन लगाता है, टेंशन। कौन टेंशन, मैं टेंशन कर रहा हूं, किसकी वजह से, मैं अपने मन से लड़ रहा हूं, हर समय मेरे मन में एक लड़ाई चल रही है, ये नहीं करना, मन कह रहा कर, मैं कहता हूं भूल जा ये बातें कोई फायदा नहीं, मन कहता है कैसे भूल जाऊं, भाई ने जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, साला पत्नी ने ये नहीं किया, पति ने वो नहीं किया, ससुर ने लंबी गाड़ी नहीं दी, कुछ ना कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन, और हम अपने मन में स्वयं अपने अंदर युद्ध चलाए बैठे हैं, जिसके कारण से हमारे साथ होता क्या, यूजुअली दुशासन और दुर्योधन जीत जाते हैं। बहुत रेयर होता है जो गुरु कृपा से या कृष्ण को नौकर रख के, चाकर रख के, गुलाम रख के अर्जुन की भांति जीतता है। कृष्ण को गुलाम बनाने की एक ही शर्त है, कृष्ण तुम्हारे को गुलाम बना के टोकरी में सिर पे बिठा के लेके चलेगा, कब, जब तुम उसके चरणों में होंगे, यानी कि ये संज्ञा समाप्त हो जाएगी कि कौन किसका नौकर है। मन किससे लड़ रहा है, मन हमसे लड़ रहा है, बॉडी से, बॉडी से लड़ रहा है, बॉडी का ब्रेन कह रहा है सोना है, मन कह रहा है सपने दिखाऊंगा तेरे को, टेंशन कर, तू कल की टेंशन कर, सो के दिखा, साले कब्जे में आ मेरे। ऐसे जो मर्डरर्स होते हैं चाकू लेके किसी का मर्डर कर देते हैं, उन्होंने टिंकू पे, बॉडी पे पूरा कब्जा किया होता है मन ने,
और वो बॉडी को नष्ट कर देता है, साला मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही, क्योंकि उसके पास भी उतना ही दिमाग है। बॉडी और मन की आपस में बहस होती है। ओ यस, यही तो हार्ड वर्क है। मन कहता है कर, बॉडी कहती कैसे करूं, काफी तो है, कितना चाहिए? मन कहता है ये क्या काफी, एक प्लॉट, 4 बिल्डिंग, 3 लाख रुपए किराए, बस इतना ही, ये भी इतना ही होता है इसके लिए, कुछ नहीं है, 10 लाख रुपए महीने आ रहे, क्या यार क्या रकम है, इससे क्या होगा, ऐसी ऐसी बातें कराता है मन। जी बड़ी सुंदर बात की इन्होंने कि भगवान के चरणों में किस लेवल पे समर्पण कर दो। दूसरा प्रश्न है कि जब समर्पण करते हैं तो माया हमें ज्यादा देखती है, जब समर्पण करते हैं तो माया हमें नहीं देखती, मुन्ना हमें लुभाता है, मुन्ना फेंकता है उसकी ओर, जा जा उधर जा, माया की ओर जा, और पास आने लगती है माया, मुन्ना और जल्दी जिला दिला देता है चीजें। इस पर बात करेंगे मैनिफेस्ट कैसे कराता है। और पहली बात कि जब समर्पण करें तो कैसे करें, आपने काम किया, आपने मेहनत करी, आप मेहनत चोर नहीं है, आपने मेहनत करी, कैसे मेहनत करी, सिर्फ मेहनत करी, खूब नहीं करी, खुश रह के, हाँ खुश रहो ना रहो, सहज और सरल में खुश और दुख समाप्त। एक चीज और बता दूं मैं, खुश और दुख ये दो बातें हैं, जब आप एक्साइटेड हैं या डरे हुए, आपकी बॉडी का ब्रेन इतना कमाल है वो कहता है प्लस भी नहीं करना माइनस भी नहीं करना, मुझे सहज रखना है। आपके ब्लड प्रेशर में जब जब हार्ट बीट होती है ऐसे ऐसे चलती है, ये ऊपर गई ये नीचे, डॉक्टर देखता है नीचे ऊपर सेट है कि नहीं, आप बहुत ऊपर गए तो भी मारे जाओगे, नीचे गए तो भी मारे गए, लब डब एक बीट कम हो गई चेंज, आप बहुत खुश हैं तो भी पिटाई होगी। आपकी बॉडी में आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीने आने लगेंगे, आप फुदकेंगे, सेम हार्ट बीट चलती है जब आप डरे होते हैं, आप सिर्फ सिकुड़े होते हैं। आपको खुश कौन सा होना है, पागलों वाला एक्साइट होने पे भी बॉडी वही बिहेव करती है, इसलिए कहता है ईश्वर ना खुशी में खुशी बनानी है ज्यादा ना दुख में गम मनाना है ज्यादा, आपको सहज रहना है। ये साधु है, साधु मतलब साध लिया, इस मन को साध लिया, साधक जो साधने में लगा हुआ है, सिद्ध जो साध चुका है, ये वही शब्द बनते हैं मात्र। तो आपने मेहनत करी, सिर्फ मेहनत कब तक करी, टाइम, नो लिमिट। टाइम क्या है, टाइम है परमात्मा, टाइम पे छोड़ दिया, परमात्मा पे छोड़ दिया, कृष्ण पे छोड़ दिया। भाई कब तक करनी है मेहनत, कब तक नहीं करनी है, सिर्फ करनी है। अब भगवान ने कब मरेंगे सारे, बेटा तू बाण चला, मैं अपने आप देखूंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा, मैं कुछ, तूने कुछ करना ही नहीं, तो क्या करना है, बस काम बॉडी से लगा रहे, मन को पकड़ के रख, मन तो कहेगा आज ही मार दे भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह लंका लगा देंगे। चमत्कार होने लग जाते हैं जीवन में अर्जुन के, जब वो टाइम लिमिट बांधे बिना जीवन को जीता है, देखेंगे यार इसी की तो कमांड है, देखा जाएगा यार, टाइम पे छोड़ दो, टाइम पे छोड़ दो मतलब पापा कर लेगा यार, पापा पे छोड़ दो, परमात्मा कर लेगा यार, परमात्मा पे छोड़ दो। तो कब तक समर्पण, अगर आपने कब तक डिसाइड कर लिया तो समर्पण किया कहाँ, फिर तो शर्त रख ली, व्यापार कर डाला, घाटा भी हो सकता है, उसका तो लिंक ही आउट हो गया इसके अंदर, ये चीज बिल्कुल सेपरेट और डिफरेंट हो गई। आपको मेहनत करनी है बस, मेहनत का मतलब पागल नहीं होना, हार्ट को हाइपर एक्साइट नहीं करना, फियरफुल नहीं होना, ईगो बिल्कुल नहीं लाने देनी। जो लोग काम करते हैं और काम करने के बाद सफल नहीं होते, वो कहते हैं यार मैंने 150% डाल दिया अपना, यार मैं बहुत कर रहा हूँ यार, कोई 150% कैसे कर सकता है। आपने चाय में चीनी ली, 2 चम्मच ले ली, अब आप कहोगे 6 डालेंगे, जहर है यार। नीट पीने वाले भाई लोग जानते होंगे यार, उतना ही सोडा डलता है या जो भी पानी डलता है, आप बहुत ज़्यादा डाल दोगे ख़त्म यार, एप्पल जूस बन जाएगा। आपके जीवन में कितना नमक डलेगा, ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। आपने काम किया 100% काम किया, आपने काम किया जी 100%, अंदर पता क्या आग लगी होती है, अंदर बचपन से चली हुई हमारी कमांड है, बेटा देखो मेहनत से मिलता है, बेटा सब कुछ मेहनत से मिलता है। ये माँ बाप ने हमारा दिमाग खराब कर रखा होता है, समाज ने दिमाग खराब कर रखा होता है कि मेहनत मेहनत से मिलेगा, मेहनत बिना मेहनत के सांस मिल रही है, बिना मेहनत के भोजन पच रहा है। कितनी मेहनत लगती है आंखें खोल के देखने में यार, 0। कान कैसे, कितनी मेहनत लगा रहे सुनने में, कुछ नहीं। लेडीज को तो पड़ोस वाले घर की भी सुनाई देती है, भाई ब्लेसिंग है, क्योंकि ये स्त्री ऑर्गन है, आंखें पुरुष ऑर्गन है। जीभ को टेस्ट, कितनी मेहनत लगेगी जीभ में, टेस्ट टेस्ट यार, ये मेहनत के बिना के काम है।
एक धेले की मेहनत नहीं लगती, आपने 100% मींस कर दिया, जितना करना तो हो गया। आपको शिक्षा है कि 100 से ज्यादा कर, 100+ कर, अब होगा। हुआ नहीं, अब इसमें ससुराल वाले आ गए, साला अब जरूर होगा। फिर हो गया 100++++, कैसे नहीं होगा। फिर एक और कर दिया, अबे भगवान करा दे। फिर और जोर लगाता है इंसान, देखिए कहां तक इंसान हार्ड वर्क करता चला जाता है। ऐसी की तैसी, माता का नारियल चढ़ा के आओ, चुन्नी चढ़ा के आओ, व्रत कर रखे हैं, शनि परिक्रमा कर रखी, सब कुछ कर रखे, अब कैसे नहीं होगा। हुआ हुआ ही समझो, फिर होता नहीं, फिर क्या है, फिर रोता है इंसान, फिर अचानक वापस 100 पे आने लगता है। ये खत्म 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 खत्म, भगवान भी कुछ नहीं करता, जिद भी कुछ नहीं करती, ईगो भी कुछ नहीं करती, आशीर्वाद भी कुछ नहीं करता, कैसे होगा यार, जोड़ यार। हताश हताश हो गया मनुष्य, अब क्या कर रहा है, हताश प्लस ही हो गया बल्कि, अब सिर्फ कर्म कर रहा है। धनुष उठाया, बाण चलाया और कृष्ण की प्रतीक्षा की और काम हो जाता है। आप कहते हैं पता नहीं यार, भगवान ने कृपा कर दिया, भगवान ने बचा लिया यार। डॉक्टर क्या कहता है आखिर में, कर रहे हैं ऑपरेशन, भगवान बचाएगा। डॉक्टर कभी कहता ही नहीं मैं बचाऊंगा, ऑपरेशन असफल हो जाता है वो, क्योंकि वो मैं प्लस आ गए, ढेर सारे, बहुत सारे प्लस आ गए। आपने बहुत मेहनत करी, आप बहुत जिद कर रहे हो, पीछे पड़े हो, पागल हो जाओगे। क्या सबसे बड़े कारण है फेल होने के, जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, एक तो प्रीलिव कर लेते हैं, प्रीलिव मतलब दिमाग में ही जी लिया ये तो हो ही गया। हमारा दिमाग ये नहीं जानता कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। रात को अगर आपको डरावना सपना आएगा, आपकी बॉडी में पसीने आ जाएंगे। बॉडी के पास इतना तगड़ा ब्रेन है, बॉडी के पास इतना तगड़ा ब्रेन है कि बॉडी उस समय स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है, नहीं तो नींद में उठ के हम कूद जाएं। कुछ लोग इससे मुक्त होते हैं, वो चलने लगते हैं, खाने लगते हैं, इसलिए हमारा बॉडी का ब्रेन बहुत बहुत स्ट्रांग है। जो हमने रात देख लिया सपना, वो भी पसीने निकाल देता है। जो हमने सपना जीते जी खुली आंखों में देख लिया, वो भी पसीने निकाल देता है, वो काम भी नहीं होता। जो जो आप ब्रेन में जी चुके हैं, भले ही हकीकत में ना हुआ, वो हुआ ही समझो। आपका ब्रेन जीता है फिल्म देखते हुए, यार सलमान खान मर ना जाए यार, चाकू लग गया, आंसू निकल गए। आपके आंसू क्यों निकले, सत्य नहीं है, फिर भी क्यों, क्योंकि ये भोला भंडारी है, ये कहता है जी लिया यार, ब्रेन में जी लिया। नींद सपने तो मुन्ना ही तो दे रहा है, 100%। जब वो इंट्यूटिव मुन्ना ऑन होगा, जो भविष्य जानता है, जिसके पास आगे की फाइलें भी है, तो वो इंट्यूशन बन जाएगी और आपको सपनों में, कौन से सपने, रात को सोते हुए, उसमें भविष्य दिखा देगा। और ऐसे ही सपने डे ड्रीमिंग बैठे बैठे भी इंसान को हो जाता है, ये साधु होते हैं, ये संत कहते हैं इसको, वो पहले ही जान जाते हैं ये होगा बेटा तेरा। इंट्यूटिव वाला तब करता है जब मुन्ना के पसीने छूट चुके होते हैं और वो कहता है यार कब्जे में आ जा, मेरी लस्सी बना दी, अब तू घी निकाल देगा मेरा। और मुन्ना ही गुरु बन जाता है और वो तोते उड़ जाते हैं उसके, वो कहता है मुझे पहले, उसके अंदर से लीक होने लगती है खबरें भविष्य की, आपके सामने भविष्य ऐसा सुंदर सा दिखने लगता है, आपको पता है। और आपकी मर्जी से आप उसको प्रिलीव करके मार सकते हो और अपनी मर्जी से रोक करके डबल कर सकते हो। पर जब आप इस लेवल पर आ जाते हैं ना, ये इच्छा समाप्त हो जाती है, ये रहता ही नहीं हमारे अंदर। प्रिलीव को ब्लॉक, अरे इस पर तो पूरी क्लास कर रखी है, आज टुडे पूरी क्लास है, आज नाम से टुडे, इसको देखो। हाँ जी, रिवर्स साइकोलॉजी में अगर मैं प्रीलिव करता हूँ, ये चीज़ ना मान लो स्टूडेंट, आपने इन्होंने बोला रिवर्स साइकोलॉजी में प्रीलिव करता हूँ, इसको मैं करेक्ट कर दूँ, आप थॉट पे लाएंगे ना, इमोशन नहीं बनाएंगे ना, तो बॉडी फील नहीं करेगी, नहीं होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म देखो, वो सच में रोता है, वो ग्लिसरीन नहीं डालता, वो बॉडी को फील करा लेता है, उसकी प्रेमिका भाग गई और आंसू निकल आते हैं। और दूसरा किसको कैंसर हुआ था, इरफान को, उसको देख लो, वो बॉडी के अंदर से निकालता है उनकी। क्यों आपको इतनी अच्छी लगती है एक्टिंग, क्योंकि वो माइंड से नहीं करते, वो बॉडी से करते हैं, बॉडी के अंदर से फीलिंग निकलती है, एक एक हाथ उंगली आंखें यूं हिलती हैं उनकी, वो कहते हैं यार क्या यार एक्टर है यार, साले ने अंदर तक हमें हिला दिया, आपके अंदर तक वेदना आ जाती है उसकी। अगर इसको एक्सट्रीम में ले जाऊं, मान लो कि एक्सीडेंट की मैंने सोचा कि एक्सीडेंट हुआ किसी वजह से, अगर उसको मैं रिलीव कर रहा हूं, तो उसको कैसे बॉडी रिलीव करेगी? उसको माइंड प्रीलिव कर लेगा तो बॉडी में होगा नहीं, क्योंकि वो बॉडी की घटना होती ही माइंड से। आपने मन में बैठ के सोचना है, आपको ये करना ना, आराम से बैठो सोचो, हाँ एक्सीडेंट हो रहा है, एक दिन हुआ, हो गया, हो गया, ठीक है यार दफ़ा करो, ओह क्या सोच रहा हूँ यार बेकार, छोड़ो दफ़ा करो। दूसरा सेटअप, एक्सीडेंट है ये, हो साला ये हो ना जाए, ये हो जाएगा,
ये जो अनवांटेड कमांड पर मारा है ये होगा, इतना सा फर्क है। ऐसे पकड़ के चलता है मुन्ना, कोने पे, बिल्कुल कोने पे आप यूं स्लिप कर जाते हैं। इसी को तो साधना कहते हैं, सिद्ध हो जाना। अगर ये कर लिया आपने तो जेब में आएगा ये, नहीं तो नहीं आएगा। या तो एक तो प्रीलिप कर लेते हैं लोग, दूसरा ईगो पे ले आते हैं। ईगो पे लाना मीन्स नीचे ठोक दिया स्वादिष्ठाना पे, साला ये होएगा, मैं भाई साहब देखना गाड़ी खरीदूंगा लंबी वाली, आदम मामा जी को देखना जलाऊंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, कैसे नहीं होएगा देखना। फिर मामा जी कहेंगे, पापा भी कहेंगे मेरा बीबा पुत्र है, बहुत शानदार बात करी। ये आप ईगो पे बात को ले आते हैं। तीसरा चमको इफेक्ट। चमको दुनिया के हिसाब से होता है, लोगों के मुन्ना की फीलिंग। आपने जो काम ये किया वो अपने लिए किया ही नहीं, आपने दूसरे के लिए किया, आप भोगोगे नहीं उसे, आप नहीं भोग सकते। आप कोई दान दया धर्म भी किसी के लिए कहते हो ना, भला करना चाहता हूँ, कर नहीं पाते आसानी से जब तलक आप उस धागे के इधर नहीं हैं। आप धागे से इधर गए, मैं उससे बताता हूँ, अभी आज क्लास में बात होगी इसकी, कि हमारे जो दादाजी अंदर बैठे वो धागे के इधर उधर कैसे भागते हैं। चंगू मंगू पिंगू ब्रेन की बात में बात की हुई है इसकी हमने पहले, जो समझ ना पाए डिटेल पूछेगा, अभी इतने बता दूंगा मैं। वो लोग सफल नहीं हो पाते जो इन इन कामों में लग जाते हैं। इसलिए सपने देखते हुए हार्डवर्क करना ये मूर्खता है। आप कोई हार्डवर्क करते हैं इसका मतलब बहुत जोर लगा रहे हैं, आप पेस्ट्री बना रहे हैं और ऐसे बना रहे हैं पसीना बह रहा है, हलवे की तरह उसको खचोड़ रहे हैं, बहुत सॉफ्टली बनेगी, बड़े आराम से कुछ काम, बड़े आराम से होने, आपको बहुत आराम से करना है, कोई महंगा काम करना है। आपने पत्थर तोड़ना है कैसे तोड़ना है, दे हथौड़ा। आपने डायमंड घिसना है कैसे करना है, सॉफ्ट, बहुत ध्यान से। तो जो काम आप सरलता से और सहजता से कर रहे हैं वो काम डायमंड बन जाएगा, और जो बहुत जोर लगा रहे हैं, अक्सर हस्बैंड्स का क्लेश होता है, मेरी वाइफ समझती नहीं, बहुत जोर लगा रहे हो मियां, इतना जोर लगा के समझाओगे तो तोते उड़ा देगी। इसलिए पहले समझ लो, वैसे भी वो शुक्र है उल्टा चलेगी। इसलिए किसी भी हालात के अंदर आपको बहुत जोर नहीं लगाना है, एक लिमिट के बाद कुछ कामों के लिए दूसरे लोग एलोकेट कर लो, यानी भाई तू कर मेरे लिए, उसकी शक्ति लो, मनुष्य में बहुत शक्ति है। आप सारा कुछ करना चाहते हो, नहीं होगा, 100% नहीं हो सकता। इसके लिए छोटी सी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, हमारे ब्रह्मांड की खगोलीय स्थिति। ये हमारा सिर, थर्ड आई, गला, हार्ट एक्सेट्रा, बॉडी का पार्ट, ये लोअर सबसे एरिया, हमारा कॉकिक्स लोअर वर्टिब्रे, ये हमारा नाभि केंद्र, और ये हमारा सेक्स चक्र। हमारे जो अंतरिक्ष में ग्रह हैं उसमें सूर्य सेंटर में बैठा हुआ है। सूर्य के साथ सबसे अगला ग्रह इमीजिएटली बुध ग्रह है, इसके इमीजिएट अगला ग्रह शुक्र है, उसका इमीजिएट मंगल, और धरती पर हम यहाँ रहते हैं, धरती, ऐसे ही बृहस्पति और शनि है, ये ऐसे ही है अंतरिक्ष में। अब हम धरती पर हैं, मंगल और शुक्र हमारे सबसे पास है, सूर्य से हम ऊर्जा लेते हैं, और चंद्रमा सूर्य से ही ऊर्जा लेते हुए साथ रहता है। हम धरती का रहने वाले एक साल में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, एक वर्ष लगता है हमें सूर्य का चक्कर लगाने में। ये शुक्र ग्रह है, ये बुध है, ये सूर्य चंद्र, चंद्रमा 2.5 दिन लेता है धरती के साथ एक राशि बदलने में, और एक महीने में गोल घूम जाता है धरती के इर्द गिर्द, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस चंद्रमा का बैठता है हमारे ऊपर। बुध 88 दिन लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, शुक्र 584 लेता है, शायद कम लेगा, धरती जब 365 डेज लेती है तो शुक्र ज़्यादा लेता है, शुक्र ज़्यादा लेगा, ये वक्री भी होते हैं, आगे पीछे भी जाते हैं। शनि 30 साल लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए, बृहस्पति लगभग ऐसा मान के चलो मोटे तौर पे 12 साल लेता है, और मंगल का कोई सिर पैर नहीं है। मंगल एक ऐसा ग्रह है, जब मंगल, इसके लिए मैं बता दूं, एक ऐसी राशि होती है, नीच राशि, उच्च राशि, अच्छी राशि, बुरी राशि। जब वीपी के सिंह के टाइम करीब 6 महीने मंगल एक राशि में रहा था, और उस समय अग्नि होता है मंगल, अग्निकांड हुए थे, लोगों ने खुद को जला जला मार दिया था, उस समय की राशि। ये लगातार एक राशि में 6-6 महीने रह जाता है, जोड़िएक राशि का मतलब सूर्य के 7 जो 12 जोड़िएक हैं, गोल गोल घूमते ना 12 राशियों में 360 डिग्री, तो ये इसका कोई दिन ही मान नहीं है, ये ज़्यादा भी रह सकता है, कम भी रह सकता है, ये 2 साल में भी परिक्रमा कर सकता है जैसा इसका मन करे। ये 12 साल के लगभग लेता है, ये 30 साल लेता है। फिर हमारे पास हैं यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये है इंद्र, ये है वरुण, और ये है यमराज। ये ग्रह हमारे जो रिलीजन में है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो साइंटिफिक नहीं है,
उसको बताया इसलिए नहीं कि कौन 50 क्लासेस सुन के खोपड़ा फोड़ेगा, और कहां मैं उस समय 50 क्लास करता बैठ के, एसी भी नहीं था उस टाइम, तो इसलिए कौन समझाए सिखाए, इसलिए ग्रंथों में डाल दिया, लोगों को पढ़ लेना पड़ा, जो पशु बुद्धि थे एक तरह, जिनको कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ मनुष्य योनि में आए थे, पशु की तरह जीते थे, कहते थे राम का नाम भजले हो गया तेरा, दफा कर साले, तो समझने को राजी नहीं, इससे ज्यादा तेरे पल्ले भी नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार ये सारे हैं, इन सबकी पोजीशन है, अलग अलग वहीं से काम करते हैं बढ़िया धासु तरीके से। यूरेनस लेता है करीब 88 साल, नेपच्यून लेता है 164 साल, प्लूटो लेता है 248 साल, ये एक परिक्रमा करते हैं सूर्य की। तो यानी कि सबसे हार्ड वर्क कौन कर रहा है? प्लूटो। और सबसे मस्त वर्क कौन कर रहा है? चंद्रमा। इसको समझना पड़ेगा हमें, ये हमारे ब्रह्मांड में ग्रह हैं और ये ग्रह ही हमारी बॉडी के चक्रों पे काम करते हैं। जिसका जैसा जहां ग्रह खराब होता है उसके बॉडी के उस अंग की बैंड बजती है, उसी के लिए कुछ उपाय कराए जाते हैं और वो सॉल्ट सेट करता है डॉक्टर, पोटेशियम सेट करता है, कैल्शियम सेट करता है, ठीक हो जाता है। हाँ जी, यार ये भी बताने पड़ेंगे। देखो राहु छाया ग्रह होता है शनि का, ठीक है, इसका जो वर्किंग प्लेस है, राहु इसकी छाया ग्रह है और मंगल की छाया ग्रह है केतु। राहु काम करता है बुध के साथ, यहाँ एक 3 नंबर राशि होती है या उच्च का होता है इसमें, और 6 नंबर होती है बुध की, ये होता है 5, ये होता है 4, ये होता है 7 नंबर। और केतु काम करता है गुरु के साथ, बृहस्पति। मैं इसको बता देता हूँ, शायद यूट्यूब में डालूँ ना डालूँ, चूंकि बात हो गई है, केतु जो होता है यह हाथी के आकार का बनाया गया है, हाथी की एक सूंड बताई गई है और उसकी 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, और गणपति पुरुष ग्रह है, इसलिए शिव से पहले गणेश को पूजो, यह शास्त्रों में कहा गया। एक्चुअली क्या है, यह हमारा लिंग है, यह सेक्स ऑर्गन है, स्त्री के वक्ष होते हैं और पुरुष का लिंग, यह सेक्स केंद्र है। केतु ग्रह, इसके पास पूरे शरीर की चमड़ी है, स्किन प्रॉब्लम होती है जिसका केतु खराब होता है, केतु गाय का स्वरूप माना गया इसलिए गाय को कहते पूजो, केतु कुत्ते का स्वरूप है इसलिए इजिप्शियन सभ्यता तक में कुत्ते की भेड़िया जैसी शक्ल वाले जो थे वो सैनिक और रक्षक थे, आज भी उनकी मूर्तियां वहां हैं, ये दूसरे प्लैनेट से आए थे, एलियंस क्लास में इसकी बात हुई है। ये केतु लिंग होता है पुरुष का, और इसके दाएं बाएं होते हैं 2 टेस्टिकल्स जो रिद्धि और सिद्धि है, इसलिए कहा जाता है कि अगर शिव यानी निराकार को जानना है तो पहले सेक्स करके झंझट मुकाओ, गणपति को पूज लो, मीन्स फ्री हो जाओ, आप जब तक इससे फ्री नहीं होंगे ठीक नहीं होगा। हमारे हिंदू धर्म को धर्म ना कहें, ये एक जीवन जीने का तरीका है, ये अकेला धर्म है जिसमें ऐसे मंदिर हैं जहां सेक्स की क्रिया करते हुए तस्वीरें और मूर्तियां बनी हुई हैं मंदिर में। और ये कहां बनी है? अजंता एलोरा वगैरह मशहूर है बहुत जगह, ऐसा खुजराव वगैरह में। मजे की बात ये है कि ये कहां है, ये मंदिर के बाहर है, मंदिर के बाहर है सारे हमेशा, कि सबसे पहले इस क्रिया को पूर्ण करके पुरुष और स्त्री तत्व से परे हो जाओ, अब अंदर आओ। अंदर कौन मिलेगा? निराकार शिव मिलेगा, जो प्रभु है, जो परमपिता है, जो रिक्रिएटर है, जो दोबारा से पुनर्जीवित कर सकता है जीवन की संज्ञा को। यह गणपति का सिस्टम है, इसलिए शिव से पहले उनका पुत्र पूजा जाता है, इसलिए जितना माया का चक्र है यह गणपति का है, इसलिए गणपति को विसर्जित करते हैं कि इसको शांत कर दो, जाओ ठंडे हो जाओ। इसलिए शिव का लिंग योनि में स्थापित है और उस लिंग के ऊपर जल की धारा फेंकते हैं, शांत रहो। इसलिए लड़कियों को कहते हैं 16 सोमवार कर ले, पहले तो तू लिंग की सगी हो जा, इसको शांत और तुष्ट रखेगी तो पति के द्वारा जीवन में सुख पाएगी। ये बहुत लंबी बात है, ये अलग हो जाएगी कहानी, और इससे ज्यादा मुझे आता भी नहीं है। 11 रुपए निकालो ऐसे दक्षिणा से लेने का मन सा किया ब्राह्मण होने के नाते ऐसा सब चलता है, मैं हक समझता हूँ, कोई मुझे कुछ दे तो भिक्षाम देही में दे दे, तो मैं कहता हूँ डन यार, दे दो यार, क्या है? मेरे एक जानकार है, उन्होंने मुझे कहा सर ये 15 ग्राम का कोई सिक्का आया MMTC का गोल्ड का, वो बनिए है, बच्चा है अपना अपने सामने बड़ा हुआ है, तो मैंने कहा, तो कहते हैं सर ये खरीदना है, मैंने कहा बनिया है, रेट लिखे बिना पूछ रहा खरीदना है, अब पता नहीं ऐसे ब्राह्मण से बात कर रहा है। मैंने कहा कि किस लिए भेजा है? बोले सर बेचने के लिए। मैंने कहा तो दान कर दो, ब्राह्मण को दान करोगे पुण्य मिलेगा, पुण्य कमा लो, शर्म करो। कहता सर, मैंने कहा रेट क्यों नहीं बताए? कहता सर आपने जब खरीद रहे हैं तो फायदा। मैंने कहा पक्का बनिया है और बनिए जो होते हैं ये चीज पक्की है उनकी, जब तक वो टोह ना लेंगे पहले से बताएंगे नहीं। सोचिए काम का तरीका है, अभी बेचा नहीं, ये बनिया बुद्धि जब पंजाबी में है, मद्रासी में है, तो भी उसके पास लक्ष्मी की कृपा होगी कि उसने पहले नहीं बेचा अभी तक, अभी उसने माइंड में लगा के रखा है हाँ और ना सुनूंगा फिर अगली पीढ़ी चलूंगा। और ये बुद्धि यदि आ जाए
तो रॉकेट बन सकता मनुष्य। आम लोग क्या करते हैं, इतने हजार का है कितने में लोगे? जब तूने कह दिया इतने हजार का तो कितने में लोगे कहां से आया, यानी तू बार्गेन करेगा। खैर एक छोटी बात बीच की रही। अब आप ये लगाएं कि जब ब्रह्मांड के अंदर एक सूर्य जो शक्ति दे रहा है, सूर्य कैसे चलता है, आ रहा है जा रहा है, धरती पे सृजन हो रहा है, माया चीजें बन रही हैं, धरती पे वनस्पति बन रहा है और कहीं कहीं नष्ट भी हो रहा है। किससे शक्ति ले रहा है? सूर्य से। और सूर्य कितना हार्ड वर्क कर रहा है? सेम सूर्य सेम वर्क कर रहा है। सूर्य ने यह नहीं कहा आज ज्यादा लपट दूंगा तुम्हें कल कम दूंगा। ऐसे ही पेट हमारा जब हमेशा सहज कार्य करता है तो रॉकेट की तरह जिंदगी चलती है। हमने क्या शुरू कर दिया दिमाग के अंदर, आज बेइज्जती होगी कल इज्जत होगी, आज ज्यादा पैसे कमाऊंगा कल कम। तुम्हारे हिस्से के सांस ईश्वर दे रहा है, कोई और है जो इस दुनिया को चला रहा है, कोई और है जो तुम्हें आखिर तक लेके जाएगा। उसको निचोड़ो मत, पहले मत 10 घंटा बनाओ। विदेशों में लोग बहुत कम घंटे काम करते हैं इसलिए पीसफुल है और सुखी है। हाँ, डिप्रेशन का मरीज तो विदेशों में ही ज्यादा है। हाँ, डिप्रेशन क्यों है उनके पास? क्योंकि उन्होंने अलग चीज के अंदर एक समस्या पैदा कर दी है। भौतिकवाद में बहुत पड़ गए हैं, चिज्जियां बनाने में सारी एनर्जी का नाश कर देते हैं। मनुष्य चिज्जियां बनाने में जहां लग जाएगा वहां खराबी की स्थिति बन जाएगी। वहां पर लोनलीनेस बहुत ज्यादा है, अकेले हैं। आप लेके चलें, इस पर वापस आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी आज की, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स है। आप क्या होता है जब पैसे चाहिए, क्यों कमा करना बेटा, वो पूछता है बच्चा, पापा हार्डवर्क क्यों करना है? अरे बेटा तेरे पे एक्स्ट्रा पैसे में विदेश जाइयो। हाँ, विदेश की लाइफ बढ़िया है। उसी टाइम ये कमांड गई है, दादाजी की बात आज होगी दादाजी के पास, कि यहाँ की लाइफ तेरे लिए बेकार है। यहाँ की लाइफ उसकी बेकार होनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिक। बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मुन्ना हेल्प कर रहा है तो उसका वाकई बनना शुरू हो जाएगा। अब डिपेंड करता है, वो हार्डवर्क करेगा तो 80 की एज में जाएगा ऑपरेशन कराने। ये क्यों 80 में जाएगा? ये नेपच्यून और प्लूटो का खेल है। वो 2.5 दिन में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि चंद्रमा के पास ही नहीं। अभी बात करेंगे इसकी। अब उसने क्या कमांड दी, दोस्तों ने पूछा, और अरे क्या हो रहा है यार, मैनेजर बन गया अब तो तू, कहाँ जा रहा? फ्रांस जा रहा हूँ यार। अबे साले साइन नोट पीटेगा अब तो तू? हाँ यार बढ़िया, वहीं कोई बंदी देख लूंगा यार, शादी कर लूंगा। अबे क्या दिक्कत है, ऐश करेंगे यार। अबे तुझे पता है भाई, वहां की बंदी भाई नोट ले लेगी तेरे से, तलाक लेगी तो यार, इतने नोट होंगे तो कौन सी दिक्कत है, ले लेगी। ये कमांड्स जा रही हैं। अब वो वहां, फिर वो जाने से पहले पूछते हैं, और रिश्तेदार भाड़ में जाए, सालों ने तंग कर रखा है, सारे टाइम पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, मैं तो चाहता ही नहीं इनकी खोपड़ा भी देखूं। अब वो वाकई जब फ्रांस चला जाता है, उसको उसी की कमांड के अनुसार वो धन आ जाता है हार्ड वर्क कर करके, जो आधा तो बीवी को देना है, और रिश्तेदारियां ऐसी तैसी कराएंगे। ये कमांड्स हैं, सरस्वती साथ चल रही है। वो वहां जाके पैसे वाला बन जाता है और अकेला हो जाता है। हाँ जी, वो बात किस के लिए, उसने किस टाइम कैसे कही है? फील किए, फील ऐसे फील किया उसने। एक बंदा है जो फील नहीं होने देता, कहता है देखा जाएगा यार क्या होगा। उसके हाथ में अभी गुत्थी, उसके हाथ में उसका 100 का नोट है, उसके मन से वो खर्चेगा जहां खर्चेगा। उसने अभी अभी बोल दिया है कि इतना नोट आएगा फिर क्या परवाह। अधिकतर लोग अमीर क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं यार बड़ी अजीब जिंदगी है यार, साले टेंशन करते रहो, बच्चे की फीस के लिए स्यापा, क्या यार एक ऐसी जिंदगी चाहता हूं मैं, इसको अंडरलाइन कर लें, एक ऐसी जिंदगी चाहता हूं मैं यार, ना साले डॉक्टर के पैसे देने की टेंशन रहे, वकील के पैसे देने की टेंशन रहे, इतना नोट हो यार, मर्सिडीज हो अपने पल्ले, जाए भी कहीं ऐसी तैसी कराने। ये सब कमांड चल रही है, उसको डॉक्टर को देने की टेंशन ना रहे, इतना पैसा आ जाएगा। उसने डॉक्टर के लिए मांगा पैसा अभी अभी, लॉयर को ना देना पड़े अभी भी मांगा है, ये आएगा। और वो बुजुर्ग बनके डॉक्टर और वकीलों को ही पैसे देगा, वो अपनी बड़ी वाली मर्सिडीज में ही जाएगा हॉस्पिटल। आप अमीर बनना ही क्यों चाहते हैं? आप भी जानते हैं लिमिट काफी है यार, खा तो लिया, एक पिज्जा कितने खाएंगे, बाकी आप कहते हैं और रखेंगे यार, करेंगे उड़ाएंगे, फलाना दान कर लिया फिर क्या करेंगे, फिर ऐश करेंगे, फिर अय्याशी, फिर क्या करेंगे, फेंक देंगे, कुछ पिज्जा फेंकने वाला भी आ जाएगा। भाग्य में 12% हिस्सा है, बाकी 72% वेट कर रहा है कि आप क्या कमांड देंगे, उस हिसाब से भाग्य में होगा, आपको अभी मिल जाएगा, देर से लेना आएगा देर से मिल जाएगा। मुन्ना सब कुछ देता है, मन के पास असीमित शक्तियां हैं, असीमित, आप अनलिमिटेड सुख और दुख के स्वामी हो। मुन्ना ने क्या किया, भाग्य फिक्स है, भाग्य क्या फिक्स है, इस बंदे को 22 साल की एज में चोट लगेगी, पैर में चोट लगेगी, हो गया जी। अब वो 22 साल की एज में किसान है,
पत्थर से चोट लग जाएगी। उसने अपने 22 साल की एज से पहले पहले कमांड्स के द्वारा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यह स्थिति बना ली कि उसके पास एक लंबी गाड़ी आ गई तो गाड़ी से हो जाएगी। उसको है 40 साल की एज में एक ऑपरेशन होना है, 40 साल की एज में ऑपरेशन हो जाएगा। अगर तो वो ये कहता भैया मैं तो गरीब किसान हूं तो उसको फांस लग जाएगी, सुई चुभ जाएगी। अगर वो बहुत अमीर हो गया तो अमरीका जाके कैंसर का इलाज कराएगा। 50 साल की एज में अगर वो कहता है कि भाई मरना है, उसने मान लो बीमारी से मरना है और वो किसान है तो बीमारी से मरेगा, उसके पास 60,000 रुपए नहीं होंगे डॉक्टर को देने के ऑपरेशन के। और अगर वो बहुत करोड़ों अरबपति बन चुका है तो उसके पास 60 लाख होंगे डॉक्टर को देने के, लेकिन उसका इलाज नहीं होगा। मुन्ना अपना काम करके ही छोड़ेगा, डेस्टिनी तो अटल है। मुन्ना ही सारा का सारा पंगे वाला है। मन बनाता है तो मनी तो सब कुछ बनाता है। बॉडी में होगा या बॉडी के थ्रू काम करता ना, इसको बॉडी चाहिए, ये काम नहीं कर सकता बिना बॉडी के। बॉडी में होगा बट रिट्रीव यहां से करेगा, बिना बॉडी के ये काम नहीं कर सकता। आपने जाना है कहीं, आपको बॉडी चाहिए गाड़ी की, उस गाड़ी की बॉडी में आप बैठ के जा रहे हैं तो गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। जाना आपने तो ये गाड़ी है आपका, मन है यस वहां से घसीटेगा। मन ही डेस्टिनी है। मुन्ना के पास जो 12% फिक्स्ड है वही हमारी डेस्टिनी है, उसी को फेट बोलते हैं। पर वो 12 है, हम उसे 100 बनने देंगे या गुरु कृपा से उस 12 को निचोड़ के छोटा कर देंगे, ये हम पर है। बड़े बड़े भगवान जो महावीर बने, बुद्ध बने, कृष्ण बने, ये भी कष्टों से मरे हैं। मृत्यु अटल थी वैसे ही गए। हाँ एक सेकंड, हाँ जी, ये मैनेजमेंट ही तो है। आपने गुरु का सहारा लेके काम चला लिया, आपको मृत्यु से कष्ट नहीं हुआ, धन गया, कोई परेशानी नहीं हुई, जरूरतें सारी पूरी हुई, पेट बढ़िया, नींद अच्छी है, कृपा है, अपने आप को स्ट्रांग कॉन्फिडेंस हर चीज में। सब मानसिकता का खेल है, मन सिक है या मन सुखी है, ये दो बातें। हाँ जी, मन सबका सेम है और रिकॉर्डिंग अलग-अलग है कि अलग-अलग है सबका मन? नाम है उस चीज का जिसके अंदर कई जन्मों की रिकॉर्डिंग भरी हुई है कि अब तुमने ये किया दिया है, अब धरती पे शरीर लेके जाओ और ये दो वो करो बढ़ो। सबका अलग है और उसके अंदर ये फीलिंग्स दे रखी हैं, 6 षड विकार जो फिक्स हैं, वो अलग अलग हिसाब से मनुष्य काम करता है। जिसके मन को कचूमर मार मार के, पीट पीट के, जीवन के संघर्ष देख देख के गुरु बन गया उसमें से, यानी दूध का घी बन गया है, वो मन को पकड़ना सीख जाता है। आप स्वयं अपने मन को कई चीजों में पकड़ लेते हो, अभी भी 10 साल पहले नहीं पकड़ पाते होंगे और अभी भी कई चीजों को पकड़ नहीं पाते होंगे और 10 साल बाद पकड़ना सीख जाओगे। यही जीवन की यात्रा और यही ज्ञान है। जब आप ये जान जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि मुन्ना को पकड़ना कैसे है, और आपने ये समझ लिया तो डेस्टिनी हाथ में है। आपके सामने कुछ और आपको पता होता है, आपके पास कुछ हो गया, आपका एक लॉस हो गया, अब आपके पास दो चॉइस है, खूब रो पिटो या बोलो यार जो हो चुका उसके लिए मैं क्यों रहूं, आगे को ठीक करूं, खत्म। आपको कब्जे में किसने, मुन्ना ने किया है कि आप स्वयं अपनी घोड़ा चला रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। या तो कृष्ण कर लो, नौकरी पर रख लो उसको, वो काम करके सारे दे देगा आपको। वापिस आते हैं इसके ऊपर, आप रहते हो धरती पर 1 साल तो काम करने की गति क्या है, सहज। धरती कैसे चलती है, सहज, लगातार एक बार में गोल घूमती है, 365 दिन में चक्कर काटा, खत्म। मजे की बात है ये बुद्ध जो है ये 88 दिन हम कहने को कह रहे हैं, कभी ये 60 दिन में कर लेता है, कभी 40 में कर लेता है, कभी 80 में, इसका कोई सिर पैर नहीं है। ये सूरज के गुरुत्वाकर्षण में, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी होती है, इतना पावरफुली पकड़ा हुआ है कि नाचता रहता है। इसे कहते हैं दिमाग भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, साले का दीन मेवान नहीं है, टाइम नहीं है, सेंस नहीं है, स्पीड नहीं है। फिर है शुक्र, ये ज़्यादा टाइम ले लेता है, ये सूर्य से 2 राशि आगे और पीछे भी जा सकता है। ये राशि की बात है, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन मतलब इसका लंबा समय है। उसके बाद मंगल है 2 साल, बृहस्पति है 12 साल और शनि है 30 साल। ये आपका क्या है, मूलाधार, ये है स्वाधिष्ठाना। इस चक्र के नीचे के 2 चक्र अंधकार में रहते हैं। ये शनि का केंद्र है, शनि अंधकार का प्लेनेट है, काला, स्याह। इसका शत्रु कौन है, प्रकाश। प्रकाश कहते ही भाग जाता है, ये साथ नहीं रह सकते, इसलिए शनि और बृहस्पति ये 2 ग्रह सबसे दूर है, सबसे दूर। धरती के आगे मंगल आता है, फिर आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, और दूर 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 घूम रहे हैं। ये सूर्य है यहाँ, बुध यहाँ घूम रहा है, शुक्र यहाँ घूम रहा है, पृथ्वी यहाँ घूम रही है, फिर मंगल घूम रहा है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि उससे भी लंबा है, यूरेनस और लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे घूम रहे हैं।
अब आप कौन है? कॉन्शियसनेस। आप कौन है? चेतना। आप कौन है? सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, पचाने की शक्ति, वो शक्ति जिस दम पे जिंदा है। आप अपना घोड़ा लेकर के कहाँ दौड़ रहे हो? आप इन दो चक्रों पे हो, मैं मेरा मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा यहां प्रकाश नहीं जाता। ये मूलाधार चिज्जी बनानी है, अंधकार है। ये दो चीजें आप चाहोगे और नीचे जाओगे तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और तन और मन के दुख कमाओगे। जब चीज यहां की मिलेगी तो पेमेंट लेगी तन और मन। तन के सुख से कुछ कमी आएगी और मन के सुख से कुछ कमी आएगी अपने आप, क्योंकि स्वतः नहीं हो रही। यहां बहुत मेहनत लग रही है, पागलों वाली, हाय हाय हाय। अच्छा, मन से दिमाग से ही मना रहे हो आप, करते भी कुछ नहीं हो। कामचोर भी हो सकता है आप, कामचोर हो करके भी कुछ राजी नहीं, तो खोपड़ा ही खराब कर रखा हो सोच सोच के। करना धरना कुछ नहीं और खोपड़ी घुमा घुमा के पागल हो रखे हैं, ऐसे थक जाते हैं सारा दिन। जब आप यहां पर होते हैं तो आप दफा करो पे काम करते हैं कि यार देखा जाएगा, दफा करो, साफ करो, साला कौन सी टेंशन बचा कर रखनी, पागल नहीं होना। यह धरती पर है, यानी आप सूर्य के हिसाब से चल रहे हैं, सहज। भाई जब मुझे मिलना होगा मिल जाएगा, धूप आ जाएगी, गर्मियों में आगे पीछे आ सकती है, कोई बात नहीं। सर्दी के मौसम में होगा यार, स्वेटर तब निकालेंगे, कोई बात नहीं यार। तो यानी कि हम किसके पास होते हैं? कोई बात नहीं यार। तो यहाँ क्या रहता है? चलो कोई बात नहीं। यहाँ क्या रहता है? भाड़ में जाए। जब तक दो मंत्र पे आप चल रहे हैं, आप धरती के हिसाब से मजे में चलेंगे। ये सरल और सहज कार्य है। धरती की सहजता से आप जीवन में चलते रहेंगे और धरती के गुरुत्वाकर्षण से, चुंबक से, ग्रेविटी से जुड़े रहेंगे। इसकी ग्रेविटी इसको इतना नचाती है बुद्ध को कि आगे पीछे नाचता है। ये दूर चला गया, ये और दूर और दूर दूर। बृहस्पति एक कमाल का ग्रह, इसे गुरु कहते हैं। यहीं गुरु भी रहता है, यहीं गणपति भी रहता है, इसी के द्वारा और इसके बाद में ही शिव प्राप्त होता है, इसलिए सबसे पहले है। यहीं बीज है, यहीं से आगे हम जन्म देते हैं, इसलिए ये केंद्र हमारा सबसे प्रमुख है। इसके बाद ही आगे जाया जा सकता है। बॉडी को जब तक नींद पूरी नहीं दोगे, खाना पूरा नहीं दोगे, भजन नहीं हो सकता। हम भूखे बैठे हैं 2 दिन से, फिर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। आप कहेंगे काश मेरे पल्ले एक गांड भी होता, अंदर डाल देता इसमें 2 तीर। इसलिए सबसे पहले संतुष्ट होना जरूरी है, तुष्ट होना जरूरी है, ताकतवर होना जरूरी है। यही बीज रूप है, यही DNA, यही मेरी कॉपीज बनाने की शक्ति है। हर मेरे की कॉपी यहीं से बन सकती है, यानी मुझे जो चिज्जी बनानी है इसके बिना ये चिज्जी नहीं बनेगी। बृहस्पति की मजेदार बात क्या होती है? बृहस्पति और मंगल के बीच बहुत बड़ी एस्ट्रॉयड बेल्ट है। एस्ट्रॉयड उन बिगड़े हुए ग्रहों के टुकड़ों को कहते हैं जो अंतरिक्ष में टकरा टकरा के छिन्न भिन्न हो गए, कहीं कहीं घूम रहे, भटक रहे। बृहस्पति की कमाल की बात है, इसीलिए गुरु ग्रह कहते हैं। ये क्या करता है? गोल 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 घूमते हुए, ये भी गोल गोल घूम रहा है, ये यहां से धरती की ओर नहीं जाने देता उनको, ये घसीट लेता है। इसीलिए आकर्षण है यहां बहुत, चुंबक। और धरती नहीं तो नष्ट हो जाती। कई कई एस्ट्रॉयड बृहस्पति के चुंबक से छूट के निकल जाते हैं तो धरती के पास से गुजरते हैं। तो साइंटिस्ट नासा वगैरह कहता है इतने लाख किलोमीटर दूर से यह एस्ट्रॉयड गुजर गया, अगर टकरा जाता तो डायनासोर की तरह हम भी समाप्त थे। ये क्या करता है? खींच लेता है, ये डिफ्लेक्ट कर देता है, फेंक देता है। ये प्रकृति करती है, ब्रह्मांड में, खगोल में होता है, प्लैनेट्स में, हमारे अंदर भी होता है। हम यहां से कई चीजों को फेंक सकते हैं, रोक सकते हैं। इसे कहते हैं यार दिल पे मत लगने दे, दिमाग पे मत लगने दे। यहां क्या है? पेट के निचले हिस्सा क्या होगा? यहां मूत्र बनता है, यहां मल बनता है। मल और मूत्र के द्वार है ये दोनों, इसको ध्यान से पकड़िएगा। ये चुंबक है, इसका चुंबक सही काम कर रहा है, यहां से शक्ति और ऊर्जा निचोड़ लेगा। आपको यूरिनरी डिजीज, सेक्सुअल प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अगर हो रही है तो डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, आपको गुरु रखना पड़ेगा। अपने जीवन में सम्मान करो, ध्यान पे दो, अपने आप ठीक होगा। यहीं से गुरु है, ये पिता है, ये माँ है, इनका प्रेम और सम्मान चाहिए ही चाहिए, नहीं लोगे प्रॉब्लम शुरू। ये क्या करेगा? मूत्र फिल्टर, मल फिल्टर, बॉडी फर्स्ट क्लास, जीवन फर्स्ट क्लास, नहीं तो ये ऊपर फेंक देगा। इससे उल्टी आती है, जब ऊपर आया पेट खराब हो जाता है, यहाँ पेट गड़बड़ होता ना। लोगों को एसिडिटी क्यों है? क्योंकि जुपिटर काम नहीं कर रहा, बृहस्पति काम क्या नहीं कर रहा पेट में? मैं मेरा मेरा चाहिए चाहिए। आप मैं में लगे हो या चिज्जी में लगे हो? जो चिज्जी में लगा है उसको कॉन्स्टिपेशन की या लूज मोशन की प्रॉब्लम है, और जो आदमी हाय हाय मचाए बैठा है मैं उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो जाती है। ये डिफ्लेक्ट करता है नीचे की ओर, मलमूत्र बाहर, आपकी बॉडी ठीक। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो क्यों आप इन चक्रों पे फंस गए?
कितना टाइम लेता है? 12 साल। कितनी देर से मिलेगी चिज्जी? 30 साल। कितनी ज्यादा देर से मिलेगी चिज्जी? 88, 164 और 248 यहां गए तो जिंदगी में तो मिलेगी नहीं, इसलिए कई जन्मों में मिलती है। ये क्या था हमारा? रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, हिप बोन, पेल्विक गर्डल। ये क्या है हमारा? थाई एरिया। ये क्या है हमारा? घुटने। और ये क्या है? पैर। ये सारे एक साथ है, ये शनि के भाई भतीजे हैं सारे, इसी के अंदर डाल के रखा जाता है। शनि की राशि नंबर 10 यहाँ होती है मकर, यहाँ होती है कुंभ। ये 11 नंबर राशि प्लूटो की है। ये बहुत वास्ट होगा, बहुत मोटे तौर पर बता रहा हूँ मैं जितना मुझे आता है। आपने ये तीनों चक्र को इंद्र, वरुण, यम, वरुण के पास सारा जल है, इसके पास सारी हड्डियां हैं, इसके पास हमारी इंद्रियां हैं जो खोपड़ी भागती रहती है इधर उधर। जब मनुष्य रिक्शा चलाता है तो कहां से मेहनत करता है? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो से। कैसे मिलती है उसे चिज्जी? हार्डवर्क से। एक बड़ा अच्छा वो लिखा हुआ आता है, क्या पता भगवान ने लिखा हो मेहनत से ही मिलेगा। भगवान को कैसे हम बता सकते हैं कि लिख ले ये वाला? अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। भगवान कहना मानता है हमारा, लिख के देता है हमें। क्या ले बेटा ऐसे लिखवा ले, हमें आता ही नहीं उसको कृष्ण बनाना, सरेंडर करना नहीं आता, साला अर्जुन बनना नहीं आता, लफड़ाई है। जो यहां से काम करता है वो छल से करता है, जो यहां से करता है वो ज्ञान से करता है, जो यहां से करता है दफा करके करता है, उसे बड़ी जल्दी जल्दी मिलती हैं चीजें। जो यहां से करता है दिल से करता है, साले गिफ्ट के तौर पे आती है हर चीज। और जो यहां से करता है उसे दुनिया कमा के देती है, ये विशुद्धि है, स्पेस चक्र है। और जो यहां से करता है वो कृपा से पाता है। 2.5 दिन आपने कोई चीज चाही और कैसे चाही और 2.5 दिन में मिल जाए, इसकी बात करेंगे। मगर इसका भोग भी तो होता होगा, जैसे अगर कोई मंगल दो साल में कोई चीज कमा रहा है, फिर उसको कैसे भोगता है उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज कैसे सस्टेन करेगी। मैं फिर बता दूं, मंगल 2 साल नहीं लेता, कभी हो सकता है 1.5 साल में कर दे, कभी 1.25 में, कभी 1 में, कभी 2 में। इसका दीन ईमान नहीं है, पेट का कोई दीन ईमान नहीं है। पर हमारे भोगने का जो प्रोसेस है वो भी तो डिपेंड करता है, कृपा की चीज को कैसे भोगा जाता है। आप भोग में लग गए के विलास में लग गए, भोग को समझो। इन्होंने बोला भोग को कैसे होगा, आपकी एक जरूरत का भोग है वो है नीड, दूसरा आपके मन का इच्छा का भोग है, यार ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तीसरा आपकी रिक्वायरमेंट है, यार आपके और लोग भी हैं आप पे आश्रित, उनकी भी बात बन सकती है, उनकी भी जरूरतें बढ़ सकती हैं, एक आपका लोभ है, ग्रीड है, एक आपकी जिद है, लस्ट है, साला ये भी करूंगा। भोग की बड़ी सारी परिभाषाएं हैं। आज बात हो रही है कि भोग, भोग के ऊपर अलग क्लास कर लेंगे, भोग की बात बहुत विस्तार पे चली जाएगी। आज हम बात करें हार्डवर्क की, कि जो हम इतना हार्डवर्क करते हैं ना यार, नहीं भाई मैं तो बहुत जोर लगाऊंगा, अब तो मैंने दिन रात एक कर दिया है, चीज मिलेगी किस चक्र के हिसाब से, उसे भोगोगे कितना एंजॉय करोगे, ये डिपेंड करता है कि आपने उसके लिए दिमाग से कमांड क्या दिए। तो एक प्रश्न आया इन बिटवीन के ये सब ड्रामों के अंदर, फिर भगवान की पूजा का क्या होगा? ये जो भगवान की भक्ति हम करते रहते हैं, ये भगवान कुछ करता नहीं करता, क्या करता है? हार्डवर्क का भी फल देता है कि नहीं देता है? अब आप सोच के चले, भगवान क्या है? भगवान है चिज्जी। चिज्जी कहाँ रहती है? मूलाधार पे। भगवान का रहता है यहाँ। कहाँ से काम करते हो आप? ऐसे करते हो ना, यानी कि यहाँ है जो खोपड़ी चलने वाली। विचार कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं, यहाँ नहीं आते सुंगली में, यहाँ कोनी पे नहीं आते। तो चिज्जी कहाँ है? यहाँ है, और ये सबसे दूर है भगवान से। तो जितना ज़्यादा लोग मंदिर जा रहे हैं, पत्थर की मूर्ति के साथ नाक रगड़ रहे हैं, अगर पत्थर की मूर्ति के पास जाने के बाद भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं तो आपको यहीं पहुंचना मिल जाएगा वहां जाके। लेकिन अगर यहां जा रहे हैं आप रोज रोज रोज, तो लत के तौर पर जा रहे हैं, आदत। उस आदत की वजह से क्या होगा, आप शनि के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे और पंडित मिलते रहेंगे आपको, अपने आप मिलेंगे ऐसे पंडित जी। बेटा तुम ये करो, तुम्हारे पे शनि चढ़ा हुआ है तो तुम फलाना दान करो, अच्छा तुम इतने वो देखो, इतने वो देखो, तुम इसको दो, उससे लो, फलाना करो, परिक्रमा करो, जाओ मंदिर। अब लोग कहेंगे इससे फर्क पड़ता है जी, हमें पड़ा है। जिन जिन लोगों को शनि मंदिर की परिक्रमा करने के बाद फल मिला है, वो सिर्फ वो लोग हैं जो यहाँ पहुँचे शनि मंदिर परिक्रमा करते हुए। उन्होंने जान लिया कि यहाँ समर्पण कर देना है, स्यापे खत्म तेरा हुआ। इसलिए जो व्यक्ति शनि मंदिर परिक्रमा नहीं करता और घर बैठे सब कुछ पाता है, वो यहीं बैठा होता है, कम से कम यहाँ से तो ऊपर ही होता है, इसलिए उसको वहीं प्राप्ति हो जाती है। अपने आप क्यों होता है ऐसा? एक व्यक्ति जिसको अंदर से मन कर रहा है कि मर्डर करना है किसी का, एक व्यक्ति ऐसा संसार में घूम रहा है जिसको डर लग रहा है हाय मेरा कोई मर्डर ना कर दे, प्रकृति उनको मिला देती है।
मुझे एक लेडी ने आके बोला कुछ दिन पहले की बात है कि ऐसे ऐसी स्थिति है जी, हमारे घर में कुछ कुछ हुआ है, वो एक जैसे काले पीले जादू वाली बात थी समझो, तो हमें समझ नहीं आ रहा जी कौन है, किसने किया ये किया। तो मैंने कहा बड़ा आसान है, तो आपकी बॉडी बता देती है, दिमाग तो ख़राब होता है हमारा, बॉडी को पता होता है। बोले कैसे? तो उदाहरण दिया मैंने, कहा भाई बताओ आप गाय के आगे मांस रखोगे वो खाएगी? नहीं। किसने सिखाया उसे? कभी स्कूल गई है? नो। शेर के आगे घास रखोगे खाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खाएगा, खाएगा ही नहीं वो। आप अंडा रख दो कुत्ते के आगे, घप से खा जाएगा। तो बॉडी को पता है। ऐसे ही आप किसी के पास से गुजरते हो या किसी के पास खड़े हो, अचानक आपके मन में विचार आ रहा है साला बड़ा हीरो बन रहा है, इसको गोली ना मार दूं। क्यों उसके पास आते हैं आपके मन में विभत्स विचार आया, अहंकार के, क्लेश के, गुस्से के, वो भी यही सोच रहा है, वो वही टकराव हो रहा है, ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है। जो व्यक्ति ने होता है हाय मुझे कोई लूट ना ले, उसके पास से वाइब्रेशंस जा रही हैं, हाय कोई लूट ना ले, लूट ना ले, लूट ना ले। एक व्यक्ति कहता है मुझे लूटना है, किसी का खा पी के ही डकार जाऊं, वो दोनों मिल जाते हैं अपने आप, अपने आप होता है ऐसा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बच्चा पेपर देने जा रहा है, जा तो रहे पेपर देने, तैयारी तो सही है, लेकिन स्वादिष्ट थाना पे आ गया, लेकिन बोलते ही बट इफ किंतु परंतु बोलते ही कोशिश करूंगा मूलाधार पे आ गया, पास हो साल पर साले, टीचर ही बहुत गंदे यार यहाँ के। अब उसको गंदा ही टीचर मिलेगा, उसका पेपर टीचर के पास जाएगा, उससे एक सेकंड पहले उसकी बीवी का फोन आएगा, लड़ाई करेगी फोन पे, और उसके पेपर में वो काट पाट कर देगा। हमने जिस वाइब्रेशन से जो चीज मांगी है वही वापिस आ रही है। क्यों होता है ऐसा? बॉडी पहचान लेती है। बॉडी कैसे पहचानती है? हम क्या है? शरीर बाहर से देखने को, अंदर हमारे शरीर में अरबों सेल है, अरबों, लाखों नहीं अरबों। जब मुन्ना बहुत पिटता है, बहुत संघर्ष आता है जीवन के अंदर, तो मुन्ना टूट टूट के अपने अंदर से घी निकालना शुरू कर देता है और गुरु ऑन होना शुरू होता है। इसलिए दुनिया में ज्यूज सबसे ज्यादा जुल्म सहे हैं और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हार्ड से हर सर्कमस्टांस देखा, फिर उसके बाद ब्रेन और शार्प हो गया, और शार्प हो गया, और शार्प। मुन्ना फाइटर ब्रेन है, वो कहता है बॉडी को जीना है, कैसे ना जीऊं। हमारे सेल हैं 50, 60, 100 ट्रिलियन सेल हैं, ट्रिलियंस अरबों के हिसाब से सेल्स हैं। ये सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, इनके पास स्केलेटन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी यानी सांस लेते हैं, खाते हैं, पचाते हैं, सारे सिस्टम होते हैं हर सेल में, डीएनए है इसमें, इस डीएनए की वजह से हम चल रहे हैं। हमारा जो मदरबोर्ड है वो डीएनए के दम पे चलता है, क्योंकि सबके पास डिफरेंट डीएनए है। जैसे आपका सिम कार्ड का नंबर अलग है, सिर्फ आप ही को फ़ोन आएगा आपका, आपके मैसेज ही आपको आएंगे, ऐसे हमारा भी सिम कार्ड अलग है अंदर, हमारा डीएनए अलग है। हमने अपने बहुत सारे सेल हैं, हमने क्या क्या सोचना शुरू किया, एक काम करना है, एक काम, 10 लाख रुपया चाहिए। सारे सेलों ने समझ लिया 10 लाख रुपये चाहिए, 10 लाख रुपये आ जाएंगे, कितना आसान है। अब हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क, आपको 10 लाख रुपये चाहिए, एक विचार मन में आ रहा है, तेरे बस की है भी, एक विचार चल रहा है पहले, तेरे बस की भी है, अबे कर भी सकता है, तेरे बस की है। दूसरा क्या विचार आ रहा है? हर सेल इंडिपेंडेंटली सोच रहा है, ये गुट नहीं बन रहा, एक सोच रहा है कार लूंगा, आ गई तो 10 लाख आंदे भाई, कार लेंगे। तीसरा सोच रहा है मामा जी को जलाऊंगा, तपाऊंगा। चौथा सोच रहा है इस वाली को तलाक दे दूंगा, दूसरी लाऊंगा। पांचवा सोच रहा है घर बनाऊंगा। छठा सोच रहा है इलाज कराऊंगा। एक सेल कह रहा है मेरे पास, मैंने नहीं करना, करना ही नहीं साला, कुछ नहीं करना, करना ही नहीं। इसे कहते हैं विरोधाभास। अंदर ही चल रही है बातचीत, यार करूं ना करूं, ये करूं वो करूं, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, होगा नहीं होगा, यही चल रहा है। बाकी बचे हुए सेल हैं, ये कहते हैं देखते हैं, बाण चलाएंगे यार, देखते हैं काम हो जाएगा। ये कितने हैं? 1/5, 10 लाख चाहे 2 लाख मिल जाएंगे। ये कितने हैं? आधे सेल, 5 लाख मिल जाएंगे। हार्डवर्क कितना हो रहा है? ये सब हार्डवर्क हो रहा है। आप जाने से पहले रो रहे हो, पहले तो बेटा पेपर है, कोशिश करना ढंग से हो। हाँ मम्मी ढंग से करूँगा। फिर अच्छा, हे माता रानी, हे सरस्वती, ये वाली काली, वो वाली माई, हमारी कुल देवी, फलान ढिमकान, सारे के सारे मूलाधार ठोक डाले, और ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ये टूटते गए। वहाँ जा करके कितने सेल बचे देखते हैं, करते हैं यार कर्म, करेंगे मेहनत करेंगे। बच्चों को मतलब पितरों के आगे तो बोलो कि वैसे तो पापा मम्मी का आशीर्वाद ले लेते हैं,
पापा मम्मी देते कहाँ हैं आशीर्वाद? बच्चे तो ले लेते हैं, ये पापा मम्मी का तो लोचा उल्फत है सारा। सबसे बड़ा लफड़ा ये पापा मम्मी का है। मेजर मेजर कहानी पापा मम्मी की। हम डोनेट करते हैं, क्यों करते हैं? कुछ लोग इसलिए डोनेट करते हैं यार बड़े पाप किए हैं, ऑन कर दिया, बड़े पाप किए हैं, धुल जाएंगे। कुछ लोग इसलिए डोनेट करते हैं, नहीं यार कुछ पुण्य भी करना चाहिए, कोई बात नहीं। कुछ इसलिए करते हैं, है इसका भला कर दूं, उसका भला करती है उसकी जो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी। बहुत लफड़े हैं डोनेट करने के, मैं भिखारियों का भला कर रहा हूँ। मंदिर के पास जाते हैं लाला जी, और वहाँ 100 भिखारी बैठे होते हैं। लाला जी जाते हैं, लो लो तुम भी लो, सबको दान दिया। अबे सालो तुम सबको मैंने ये खिलाया वो पिलाया, अंदर जाके हे भगवान तू क्यों नहीं सुनता। भगवान बहरा है, तुमने जो दिया अभी दुख खरीदे 100 लोगों के बाहर। इसलिए गुप्त दान पे ध्यान दिया जाता है, इसलिए कहा गया गुप्त करो अहंकार आएगा और तुम्हें लेनी पड़ जाएगी। ट्रांजैक्शन लेन देन होता है नीचे के जो चक्र पे, नीचे के दो चक्र सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे कभी टच क्यों नहीं करना? क्योंकि वहां ऑटो पायलट है, ऑटो पायलट में पंगे नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। आपने गाड़ी चलाई, गाड़ी चलानी सीख ली, साइकिल सीख ली, अब आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पैर चल रहा, हाथ चल रहा, बड़े ध्यान से जा रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, अचानक फ़ोन आ गया, गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया। हम गर्लफ्रेंड के बारे में बात करेंगे, बड़ी मधुर मधुर बातें हो रही हैं, कब आधा घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। आपसे वहाँ जाके दोस्त ने पूछा, अबे तूने देखा है पिछले रेड लाइट पे क्या हुआ था, उससे पहले के दो रेड लाइट पे वो था, और भाई वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा था। आधे घंटे से चला रहा हूँ भाई गाड़ी, पता ही नहीं कैसे, मुझे कुछ नहीं पता कौन चला रहा गाड़ी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन चला रहा गाड़ी? ऑटो पायलट चला रहा है। आप हार्डवर्क कर रहे हैं? एक धेले का भी नहीं, एक धेले का हार्डवर्क नहीं किया आपने, गाड़ी कैसे चल रही है? आप अलग हो, ये बॉडी का ब्रेन है जो टेक ओवर कर लेता है। ये है मुन्ना, मुन्ना ने अभी अभी गाड़ी संभाली आपकी, मैं ऑटो पायलट पे हूं, इसको मस्ती मारने दे। ऊपर के चक्र पे आप प्रेम की बातें कर रहे हो, भविष्य के बारे में सोच रहे हो, गाड़ी कौन चला रहा है? नीचे के दो चक्र, क्योंकि उनको प्रैक्टिस है। उनके पास जो एक चीज एक बार उन्होंने सीख ली, पारंगत हो गए, पूरी जिंदगी नहीं सिखानी पड़ती। इसलिए अपने जीवन के अंदर हम जितने भी काम करते हैं 90% टाइम मुन्ना कर रहा होता है। आप सुबह नहाते हैं, क्या करते हैं? उठते हैं, उठे नहाए दो, आप कुछ और कर रहे हो, खोपड़ी गई है पता ही नहीं चला, बॉडी नहा रही है, धो रही है, काम कर रही है, अपने आप चल रहा है। आप यूं खा रहे हो अखबार पढ़ते हुए, ये यहां नहीं जा रहा, अनकॉन्शियस हो गया था। कौन कर रहा है ये? ये सबकॉन्शियस कर रहा है, ये सबकॉन्शियस ब्रेन है मुन्ना, ये मुन्ना ब्रेन है जिसके पास ताकत है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। ये हमारी मुंडी है, जानवर की यहां से होती है, ये होता ही नहीं। स्मार्ट वर्क को नॉर्मल लोग फुलिश वर्क कहते हैं, क्योंकि वो सब कहते हैं हार्ड वर्क कर, और वो इसलिए भी फुलिश कहते हैं क्योंकि वो खुद जलते हैं, यार इसे सक्सेस मिल रही है, ये साला खुश क्यों है? ये 10 लाख कमाता, मैं 20 फिर भी खुश है यार, इसके मजे हैं यार, मजे अलग हैं। हो सकता है 5,000 वाला ज़्यादा मजे कर रहा हो और 5 लाख वाला दुखी हो। ये जानवर का होता है मुंडी, हमारी इतनी है, तो हमारे पास ये मत्था एक्स्ट्रा है। यहाँ रहती है कॉन्शियसनेस, यहाँ रहता हूँ मैं, और यहाँ रहता है ईगो वाला मैं, और ये मेरे पास घोड़ा है, इस घोड़े को मैं दौड़ाता रहता हूँ जहाँ जाना हो, और यहाँ है मेरे दादाजी। ऑटोमेटिकली छोटा बच्चा पैदा होता है, ऑटोमेटिकली शरीर बनता है, ऑटोमेटिकली खाता है, ऑटोमेटिकली उसको पता है दूध पीना है, ऑटोमेटिकली शुशु पोटी निन्नी बड़ा होना चलना दांत आएंगे ऑटोमेटिकली। यानी कि कोई और कर रहा है उसके लिए काम, कोई और सांस ले रहा है। छोटा बच्चा पैदा हुआ सारे टाइम मम्मी थोड़ी कहती बेटा सांस ले बेटा, कोई परवाह नहीं, ऑटो पायलट चल रहा है। हार्ड वर्कर कौन है? जिसने ऑटो पायलट बंद कर दिया। यार अपने आप सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? तुमने वो बटन बंद किया है, तुमने दादाजी को ब्लॉक कर दिया है। इसके पास 90% काम है जिंदगी के, 90% 25 मिलियन बिट्स पर सेकंड की स्पीड है, 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड की स्पीड है मुन्ना की। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, मिलियन 1 लाख होता, 10 लाख होता है, और इसकी स्पीड क्या है?
हे राम 40 बिट। हम ध्यान से कोई काम करेंगे बड़े हौले हौले करना पड़ता है। अब जिंदगी स्पीड से चल रही है, सारे काम फटाफट करने हैं, ये स्विच ऑफ हो जाता है, ये काम ले लेता है, कह रहा मुझे करने दो। मुझे बचपन से माँ बाप ने सिखाया गाड़ी कैसे चलानी मुझे आती, मुझे कूदना फांदना था मुझे आता है, और मेरा काम कौन करता है? दादाजी। दादाजी कौन है? दादाजी रेडीमेड। हमारे अंदर साइकिल चलाने का रेडीमेड टैलेंट होता है। आपने देखे सारे जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, यार कभी स्विमिंग स्कूल नहीं गए, उन्होंने स्विमिंग सूट नहीं खरीदा, कैसे आती है? यानी बॉडी को स्विमिंग आती है, इसका मतलब हमें भी आती है। विदेश में छोटे बच्चे को पूल में डाल देते हैं और वो तैर लेता है, बच्चे तक डिलीवर होते हैं पूल के अंदर, टब में पैदा होते हैं, वाटर थेरेपी कही जाती है, सचमुच में होते हैं, उमरते नहीं यार, कमाल है कि कैसे होता है। यानी हमारी बॉडी को नेचुरली आता है तैरना, ये हो गया नेचुरल। दादाजी को सब पता है, दादाजी कुछ भी कर सकते हैं। दादाजी जिन लोगों के एक्टिव है उनका नाम में बने एक आदमी ट्रंप, ट्रंप टावर है, अरबों खरबों है, साला पैसे का ब्याज ना खा सके, अंबानी इतना पैसा कुछ क्या करे, कहाँ ले जाए, वर्जिन अटलांटिक के ओनर बिल गेट, यार इतना कुछ दे सकता है ये, यानी ये कुछ भी कर सकता है, लोगों के कैंसर गायब हो जाते हैं। यानी दादाजी सब कुछ कर रहे हैं, हमारे साथ बचपन में सब चीज़ों से लड़ने की ताकत है, हमारे अंदर सेल है लड़ने वाले, इसे कहते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कौन चला रहा है? इम्यून सिस्टम मीन्स हमारे शरीर में बैक्टीरिया है, वायरस है, सचमुच में है, हमें बैक्टीरिया वायरस चाहिए, खाना पचाने के लिए चाहिए। धरती की पॉपुलेशन 11 बिलियन है, हमारे इंटेस्टाइन में गट में 5 बिलियन बैक्टीरिया पड़ा हुआ है सबके, अगर वो ना हो तो खाना ना पचे। याकुल्ट नाम की एक दूध की ड्रिंक आती है, उसे पिलाते हैं, ये पी लो, उसमें बैक्टीरिया होता है, कीचड़ होती है उसमें, वो कीचड़ जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी है वो बैक्टीरिया जो चाहिए। दही किससे बनती है? बैक्टीरिया, मेरे ख्याल से नाम है लैक्टोबैसिलस एसोफिलस, ये होता है उसका नाम, मुझे याद नहीं, वो बैक्टीरिया। यार हम कीड़े खाते हैं, यार इसे दही मट्ठा दो यार पेट ठीक हो जाएगा, यार कैसे? यानी कि तमस चाहिए, नाभि पे क्या हनुमान जी, क्या चाहिए? तमस, पूरा संजीवनी उठा के नहीं लाएंगे, पहाड़ी उठा लेंगे, उसमें कूड़ा करकट भी है, नो प्रॉब्लम, संजीवनी अपने आप निकलेगी। आप में इम्यूनिटी नेचुरल है। अब छोटा बच्चा अपने आप जानता है तैरना, लेकिन माँ बाप कहते हैं ये है माँ बाप, जो मैं माँ बाप की अभी अच्छाइयाँ करने वाला हूँ, इसे पानी के पास मत भेजो मर जाएगा। अच्छा बच्चा कहता है यार बॉडी तो मेरी जा सकती है, मैं तो आता है लेकिन नहीं डूब जाएगा, नहीं मर जाएगा। जो डूब जाते हैं वो बड़े भी डूब जाते हैं। कई लोग कहेंगे अच्छा तो डूब भी तो जाते हैं बच्चे, तो ट्रेंड करो ना, बचपन से माँ बाप की आग लगी होती है, हाई डूब जाएगा वो डूबता है, ये कमांड चलती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहस करने के लिए तो 1000 मुद्दे, लेकिन जिसने समझना है वो मज़े में हंस के समझ के कहेगा वाह मज़ा आ गया। अब 5 साल का होते होते इस बच्चे को यहाँ मुन्ना में सिखाया जाता है पानी से खतरा है, पानी से मर जाओगे, उसकी बॉडी को आता है। 5 साल का होने पे अब उसको माँ बाप कहते हैं ये ऑन कर, ट्रेंड हो, यहाँ कनेक्ट कर वापस, अब तू तैरना सीख। अगर हमें तैरना बॉडी को नेचुरली आता तभी तो सीख के कर पाते हम, हवा में उड़ना तो नहीं आता ना, कितना ही सीख लो, इसको पकड़ना पड़ेगा हमें। दीवार में सिर मारना तो सांड के बस की है, हमारे बस की नहीं है ना, इतना मजबूत नहीं है। मेढ़ा टक्कर मारता है, सिर मारता है, उसको दिया है ईश्वर ने ऐसा सिर। डॉल्फिन थूथनी मारती है, नाक मारती है अपनी, उसको वैसी नाक दी है, किसी को क्यों नहीं दी, शार्क भी भाग जाती है। हमारी बॉडी उड़ नहीं सकती, हम कितनी प्रैक्टिस कर लें, हमारी बॉडी तैर सकती है क्योंकि अंदर है, हमें आता है, अनट्रेंड किया जाता है। जो जंगलों में पैदा होते थे पानी में कुदा दो बंदा तैर जाता है, ऐसे ही सारे कुत्ते भालू सब तैरते हैं पानी में, शेर वेर के बच्चे, क्योंकि बॉडी में है। उनको नहीं शेर नहीं आके बोलती नहीं मत जाओ पानी के पास डूब जाओगे, तो उसका क्या किया, उसके ये वाले सेल, ये सेल है, ये सेल ही सेल है बॉडी के अंदर, ये वाले सेल जानते हैं सब करना, इन सेलों को ट्रेंड किया गया बचपन से ये नहीं होगा। अब छोटेपन के बच्चे को मम्मी कहती है, पापा कहते हैं, मामा जी आते हैं, एक सबसे बड़े ताऊ जी होते हैं घर के, बेटा मेहनत करना बेटा मेहनत, दादाजी वो क्या होता है, बेटा मेहनत से सांस लो मेहनत से पचाओ। बच्चा कहता है यार कुछ समझ नहीं आ रहा यार, खाना अपने आप पचता है, नेचुरली सब मिल तो रहा है मुझे, मोबाइल भी है ये भी है, मेरे नसीब भी अच्छे हैं। माँ बाप कहते हैं बेटा जो दुख हमने देखे तुम्हें ना हो, वो बच्चा कहता है यार तुम्हारे दुख तुम्हारे फूटे नसीब के, साला मेरा नसीब अलग है तुम मुझे क्यों अपने नसीब से ढो रहे हो। मम्मियाँ कहती हैं पापा कहते हैं हमें बड़ी चिंता है अपने बच्चे की, अबे पत्थर का बच्चा है इंसान का बच्चा, नसीब लिखा के लाया है, तुम्हारे को कोई चला रहा है उसे भी कोई चलाएगा। तो बच्चे को बढ़िया से ट्रेंड किया जाता है तुमसे ना हो सकेगा।
अब बच्चे के ये वाले सेल जो 90% समय उसकी जिंदगी को चलाएंगे वो क्या चलते हैं भाई, मुश्किल से होगा, आसानी से होगा ही नहीं, होएगा जरूर। दादा जी से कनेक्ट करना, यहाँ एक दीवार लग गई ईगो की, नहीं मुझे पता है ये आसान नहीं है भाई साहब, ये आसानी से नहीं होगा। बॉडी के सेलों ने कह दिया आसानी से नहीं होना, दादाजी कहेंगे तब बेटा मुश्किल से कर ले। अब मुश्किलें शुरू हो जाती हैं लाइफ में, आपने हार्ड वर्क बोला आपकी लाइफ हार्ड हो जाएगी। और लोग कहते हैं भाई हम पे कुछ श्याम बाबा की कृपा नहीं है, दूसरे को तो बड़ी आसानी से मिल गया यार। उसको आसानी से मिला नहीं है, उसकी खोपड़ी में खराबी नहीं है कि हार्ड वर्क करना है, कलेश मचाने हैं, हाय हाय करनी है, वो मस्त है, बल्कि वो आधा पागल ही है। ज़्यादा विद्वानों के साथ बड़ी समस्या होती है, वो तो आधा पागल सा है, लल्लू है, जैसे कबीर है, उसको ईश्वर मिल गया, रस खान को मिल गया, रहीम को मिल गया, रहम, कहाँ से मिल गए उन सबको, कहाँ से मिल गए, क्योंकि वो सरल थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं यार ईश्वर नहीं है, है ना, है। अच्छा बाकी लोग क्या कहते हैं, कहाँ यार वो तो ऊपर स्वर्ग में है, उनके लिए वहीं स्वर्ग है, अब नहीं मिलेगा, स्वर्ग कहाँ है, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, यहाँ है, यहाँ है वैकुंठ धाम, और यहाँ है स्वर्ग, यहाँ घी बनता है, डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन, यहाँ बनता है सब कुछ, तो क्या होता है, यहाँ आना ही नहीं आता, वो नीचे ही बैठे रहते हैं मंदिर में, माथा मार के दिया बत्ती कर ली, ऊपर की दिया बत्ती करनी नहीं आई, अंधकार हटाना नहीं आया, नीचे फंसे हैं, कई जन्मों फंसे रहते हैं। किस स्पीड से चलेंगे, प्लूटो की स्पीड से चलेंगे, 240 साल लगेंगे भैया, कई जन्म लग जाते हैं उठते उठते। जिस व्यक्ति ने माइंड को ये ट्रेंड कर दिया जिंदगी मुश्किल है, जिंदगी हराम है, पत्थर है, कांटे हैं, फलाना है, उसकी लाइफ में ये सेल हरकत में आ जाते हैं, स्पीड देखो 40 मिलियन। अब एक गुरुजी मिलते हैं जीवन में कुछ सालों बाद, वो कहते हैं बेटा ऐसे नहीं होता, प्रश्न पूछता है गुरुजी उसे मिल गया हमें क्यों नहीं मिला, ऐसा क्या हुआ? तो पहले तो उसे गुरु से पूछना चाहिए, गुरुजी तुम क्यों आश्रम में चटाई बिछा के बैठे हो, तुम भी तो कंगले हो, तुमसे कैसे मिलेगा। अब गुरु के पास ये स्थिति है कि उसे उससे ज़्यादा मिल चुका है, वो जान चुका है ये माया है, ये साथ ना जाएगी, मुन्ना को एग्जॉस्ट करना है, ये दीवार बीच की उड़ा देनी है, और शिव भोला भंडारी हो जाना, यहाँ शिव है भोला, तभी कहते हैं ना पले रुष्टा पले तुष्टा, साला कभी नासपीट दिया कभी अच्छा कर दिया। यार ये बॉडी हिल क्यों नहीं होती, क्योंकि बॉडी के लिए कह रखा है। भाई साहब बड़ा मुश्किल है, बच्चों को जैसे कह रखा है बेटा ये पानी में मर जाओगे बेटा, वो पानी में मर जाता है, बोलो बेटा तैर आ जाएगा, आ जाएगा, बचपन से डाल दिया। ऐसे आदिवासी काबिले आज भी हैं हमारे भारत देश में, मध्य प्रदेश वगैरह में, जहाँ वो बच्चों को कोई ना ट्रेनिंग स्कूल है, एक भी बच्चा स्विमिंग के लिए कहीं जाता नहीं, सीख जाता है, पेड़ पे चढ़ना आता है उसे, सब आता है धीरे धीरे, बस खेल खेल में सीख जाते हैं वो, चलना कौन सिखाता है, बॉडी के अंदर है, कुछ टाइम बाद आ जाता है, बोलना कौन सिखाता है, छोटा बच्चा क्या बोलता है, अपने आप आ जाता है, अंदर पड़ा हुआ है। अब क्या होता है, बड़े होके लोग क्या कहते हैं, शराब पी रहा ना साले, तेरा लिवर खराब होएगा, यहाँ सेल 40 मिलियन की स्पीड से, 10 लाख गुना स्पीड से बॉडी के सेल कहते हैं लिवर खराब होगा, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ये डब्बा बंद है यहाँ, जब वो पीता यहीं से लिवर इससे लिवर खराब होगा, इससे लिवर, एक बंदा ऐसा उसे पता ही नहीं कि लिवर नाम की चीज़ भी होती है बॉडी में, उसका नहीं होता। आप ये ध्यान से पकड़े हैं, हमने कमांड्स दे रखी हैं इसलिए हमारा पेपर डिफिकल्ट होता है, हमने कमांड्स दे रखी हैं इसलिए हार्डवर्क करना पड़ता है, हमने बेवकूफियाँ कर रखी हैं इसलिए हम शनि पे, बृहस्पति पे, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो पे बैठे हैं, हम ऊपर क्यों नहीं हैं, हमने ये कह रखा है यार तबीयत ही खराब है, जैसे बच्चे के लिए मम्मी कहती है इसको जुकाम रहता ही है, बच्चा भी कह लेता है हाँ मुझे तो जुकाम रहता ही है, उसके अंदर 90% समय चल रहा है, 90% जिंदगी में होगा वो जो सबकॉन्शियस कहेगा, ये कभी नहीं होगा। ये कब होगा, जब ये दीवार पाट के घोड़ा लेके हम यहाँ आ जाएंगे, ये चंगू ब्रेन है और यहाँ के मंगू बन जाता है, ये पिंगू है, पंगे वाला, यहाँ सारे पंगे हैं। राजा के बच्चे को बचपन से कहा जाता है तू राजकुमार है बेटा, वो नलायक होता है, गधा होता है, वो राजकुमारी होता है, क्योंकि अंदर उसके सेल कर रहे हैं तू राजकुमार है। किसी को कह दिया तू मर्डरर है तो मर्डरर, बच्चे को क्या कहते हैं माँ बाप, किसी लायक नहीं है तू, बच्चे के संस्कार में आ जाता है यार मैं लायक नहीं। वो बड़ा होता है 30 साल का, उसके अंदर क्या हो रहा है, मैं ये करूँगा, अंदर आवाज़ आती है 40 लाख गुना ज़्यादा, पर तू तो किसी लायक नहीं है, ख़त्म। दादाजी कहते हैं इसी के भाई जारी बिटवा तुम्हारी तो आती ना, आपको इस ब्रेन को बदलना है। आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो कई बार आप चला ही नहीं रहे हैं, आपकी बॉडी को कोई और चला रहा है, कौन चला रहा है, आपकी बॉडी के दादाजी चला रहे हैं। ये ब्रेन कॉन्शियस 40 बिट से ही तो चेंज होगा, ये चेंज कभी नहीं होगा, ये बीच वाला ईगो ब्रेन,
ये कभी नहीं चेंज होगा जब तक आप इसके साथ इसको नहीं घसीट लोगे। तो ये तो 40 बिट है, ये ताकत कहाँ से लाएगा? ताकत चाहिए ही नहीं, यही इसमें घुल मिल जाएगा। जो सॉफ्टवेयर इसमें चल रहा था, जो ये कह रहा था तू किसी लायक नहीं है, बाद में यही कहने लगेगा हाँ मैं लायक हूँ। सो सिंपल, आपने इसके ऊपर जो लिखा हुआ है दिमाग की परतों पे, इसको नया धोकर पोंछा लगा के दूसरा डालना है। क्योंकि जब ऑटो पायलट पे आप चलोगे, ऑटो पायलट, अपने आप नींद नहीं आई, अपने आप खाना पचा, अपने आप पैसे आते हैं, अपने आप काम होते हैं, अपने आप आँख खुलती है, इसको बहुत ध्यान से समझो। ये 84% है, 12% मूलाधार, 72% स्वादिष्ठाना। इसका घी बनाना है, ये दूध है, छाछ बनानी, ऊपर ले जाना है इसको उठा के। ऑटो पायलट कहाँ से चल रहा है? लोभ से चल रहा है, डर से चल रहा है, क्लेश से चल रहा है, किससे चल रहा है? डरने वाले आदमी का ऑटो पायलट ऑन है, उसको मारने वाला अपने आप मिलेगा, वही मिलेंगे आपस में, वही आकर्षित होंगे। गुरु जी, कई बार बच्चे खुद ही कहते हैं कि हम ज्यादा होशियार नहीं है, मेरे से नहीं ज्यादा पढ़ाई होती, मैं इतने परसेंट नहीं ला सकता। तो बोला किसने उसे बोला किसने इतने परसेंट लाने के लिए? हम तो उसको बोलते हैं नहीं ला सकते हो, पर उसको इतने परसेंट लाने के लिए बोला किसने? आप ही ने बोला। तो अपना एनवायरमेंट में देख रहा है ना, तो मम्मी ने देख के तो बोला है, क्यों बोला है उसको? मम्मी ही तो कह रही है नहीं बेटा तू ला सकता है, यानी मम्मी चाहती है, क्या और से बोल रही हूँ ले, नहीं तो एक पड़ेगा तेरे, क्यों बोल रहे हो? अब आज के बाद ये धोना पड़ेगा, क्योंकि अब उस चीज इस पे ये चलेगा ना, क्योंकि वो अपने देखती कि मैं मेहनत करके भी नंबर नहीं ला पा रही हूं, तो क्योंकि मेहनत ये कर रहा है पर काम तो ये करता है, उसके माइंड में और माइंड में तो ये कहते नंबर तो आने नहीं, तो दादाजी पे कमांड तो ये नंबर नहीं आने चाहिए, भले मरते मर जाओ। तो उसको कैसे चेंज होगा? कुछ नहीं, नंबर की परवाह छोड़ दो, नंबर से क्या अचार डालना है? बहुत मेहनत करके क्या उखाड़ लोगे, क्या मिलेगा बहुत मेहनत करके? हाँ जी, साथी में तो फेल होना, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है। बच्चा एक साल फेल हो जाएगा, दो साल फेल हो जाएगा, उसके जीवन में पढ़ाई के अलावा कोई चीज बढ़ाओ ना, उसको बुद्धिमान बनाओ। एक चीज मैं आपको फैक्चुअली बता दूं कि एक नॉलेजेबल लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास PhD की IIT की डिग्री होती है, वो नौकरी किसके अंडर करते हैं पता है आपको? स्मार्ट आदमी के अंडर, क्योंकि वो 100% ताकतवर होते हैं एक फील्ड में, एक फील्ड मास्टर परफेक्शनिस्ट होते हैं, पर उनको उस फील्ड के अलावा बाकी जगह वो गधे होते हैं। अब बाकी जगह भी काम करने वाला एक मांगेराम चाहिए जो उनको स्मार्टली हैंडल करे, उनसे काम कराए, वो होता है स्मार्ट। स्मार्ट आदमी क्या करता है? उससे एक काम करवाता है और कहता है 1 करोड़ तनख्वाह दूंगा तुझे। कौन किसी को 1 करोड़ तनख्वाह देगा अगर उससे 5 करोड़ ना निकलवाए तो? कहां से देगा? हर स्मार्ट आदमी अपने नीचे रखे आदमी से ही उसकी तनख्वाह कमवाता है, इसको जेन्युइनली समझ लो, वो है स्मार्ट। स्मार्ट होने की पहली शर्त कम पढ़ा लिखा। और जो इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंट कौन होता है? इंटेलिजेंट वो होता है जो कृपा भी जानता है, वो यहां से काम करता है। दुनिया में सारे समझदार ज्ञानी क्या करते हैं? जो समझदार ज्ञानी है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, वो कितने घंटे काम करते हैं आपको लगता है? 2 घंटे 3 घंटे खत्म। वो 8 घंटे काम नहीं करते, 8 घंटे 10 घंटे रिक्शे वाला काम करता है, बाकी टाइम वो क्या करते हैं? भाई क्लब भी जाना है, भाई पार्टी भी करनी है, ऐश भी करनी है, होटल भी जाना है, याशी भी चाहिए। अब रिक्शे वाला कहाँ से लाएगा दारू की बोतल 1000 रुपये की, जितने की भी आती है, कहाँ से लाएगा बेचारा? प्रारब्ध में जो लिखा है, फिर समझो, प्रारब्ध में जो लिखा है वो ही मिलेगा। किस लेवल पे मिलेगा? आपको प्रारब्ध में लिखा है कि आपने अपनी जिंदगी खराब करनी है, पर आपने अपने आप को अरबपति बना दिया, तो अरबपति बनकर कर लो। लेवल आप कर सकते हो, एक लिमिट तक हम भी कुछ कर सकते हैं, और दूसरी लिमिट में फ्रीविल नाम की फ्रीडम जैसी कोई चीज नहीं है, हम बंधे हुए हैं इससे, इसके बिना दादाजी तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो इस स्पीड पे इसको लाना पड़ेगा और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हम सारे टाइम यही कमांड देते रहते हैं, बर्बाद हो गया यार, तबाह हो गया यार। एक आदमी का लॉस हो गया, वो 40,000 दिन तक यही गाना गाएगा, बर्बाद हो गया यार, तबाह हो गया यार। बंदा कहता है मेरा बॉस ही कमीना है, जब चल रहा है, अब उसका बॉस कमीना है, ऑटोमेटिक फीड हो गया। यहाँ दादाजी कहेंगे इसके लिए कमीना रखना है, बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा वो, उनका बॉस किसी के लिए इतना अच्छा होगा लोग कहेंगे देवता है, और उसके लिए कमीना होगा, उसके पीछे हाथ धो के पड़ा है, क्योंकि उसके माइंड में फीड है कि यार बेकार आदमी है। अपना सॉफ्टवेयर चेंज करने के लिए अदर पर्सन ही चाहिए, अपने सॉफ्टवेयर के लिए हमें गुरु ब्रेन चाहिए, और इस गुरु ब्रेन को हम स्वतः ना कर सकें तो बाहर एक गुरु कर लो, बाहर एक कृष्ण रख लो नौकरी पे, स्वतः तो नेचुरली कृपा से होता है। गुरु जी ये तो ये हो गया, हम स्वर्ग में बैठे। हाँ एक सेकंड, हाँ जी,
ये जो स्मार्ट बंदा बन गया और वो दूसरे को डिमीन कर रहा है, स्मार्ट बन रहा है तो इन्होंने पूछा है कि कोई एक बहुत स्मार्ट व्यक्ति अगर आपको डिमीन कर रहा है यानी कि नीचा दिखा रहा है तो उससे कैसे डील करें। तो पहली बात आप समझ लो, तो स्मार्ट होता है ना वो बहुत कुत्ता होता है, बहुत काइया होता है, वो किसी को डिमीन नहीं करता, वो सबके सामने आप बहुत अच्छे आप बहुत अच्छे और पीठ पीछे गोली मार देता है, वो कभी नहीं कहता। दुनिया का सबसे बड़ा कमीना हमारा प्रभु परम पिता कृष्ण है, जिसने किसी से शत्रुता नहीं की, सबने उससे शत्रुता की, उसने सिर्फ प्रेम ही किया, उसने प्रेम ही करने दिया, सब लोगों ने सब गोपियों ने सारे के सारे ड्रामनों से प्रेम ही किया है और गले मिल मिल के लोगों ने कहा है हे माधव मुझे मार दे। तो जो आपको डिमीन कर रहा है, नीचे दिखा रहा है, उससे अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा करना आपका खुद का ठेका है, आपको स्वयं अपना ठेकेदारी निभानी है। जैसे मान लेते हैं बहुएँ घर में आती हैं, शादी हुई नई नवीनी लड़की, उसको फीड किया जाता है, एक चाची होती है घर में कहती है बेटा सास ना बड़ी बुरी होती है इस पे, बेटा तू मतलब अपने हस्बैंड को कब्जे में करके रखियो, उसके ये सेल सेट हो जाते हैं पक्का, जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है ऑटो पायलट जिसने 90% काम करना है, उसके 40 लाख स्पीड है, 40 लाख गुना स्पीड, वो कहेगा सास कमी नहीं होती है पति कब्जे में करना है, सास कमी नहीं होती है पति कब्जे में करना है। अब ये स्पीड देखो, स्पीड देखो। अब उसकी ये दादाजी कहेंगे हाय ते लल्ला तुम्हारी सास कमी नहीं बना देते तुम्हें टॉर्चर करेगी। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसको वो विश ग्रांट होती है और ऐसी सांस मिल जाती है। इसलिए शब्द कहा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पर पॉजिटिव थिंकिंग गलत शब्द है, इसे कहते हैं नेगेटिव मत रखो। हम जितनी नो 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 रखते हैं, ये गंदा वो बुरा काम खराब, लोग कहते हैं दुनिया है ही बुरी यार, अरे तेरे लिए ही बुरी है बाकियों के लिए क्यों नहीं है बुरी यार, ये पनीर है ही खराब उनके ही पेट खराब होते हैं चार लोगों के जो शादी में जाके कहते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है उनको, फूड पॉइजनिंग हो जाती है बाकी को होती नहीं, क्यों नहीं होती, क्योंकि आपने अपने अंदर यह हार्ड वर्क का कीड़ा बना रखा है। आज से खत्म कर दो किसी को कोसना कुड़ना सड़ना रोना, ज्ञान पकड़ो। और ये हार्ड वर्क सिर्फ ईगो कराती है, सिर्फ 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 ईगो, घमंड के अलावा कुछ नहीं है। ईगो हार्डवर्क कराती है, मैं बता देता हूँ। एक बार एक बहुत उम्दा साइंटिस्ट था, क्या गजब गजब का वर्कर और हार्ड वर्कर, उसने क्या किया यार मृत्यु का टाइम आएगा तो मैं मरूंगा नहीं पूरे जन्म रहूंगा, उसने अपने क्लोन बना लिए, क्लोन होता है कॉपी, अपनी सेम फोटोकॉपीज बना ली उसने, 8-10 कॉपियाँ बना ली बढ़िया धांसू धांसू। अब क्या हुआ जी, यमराज आ गया, नियत दिन पे पहुंचा तो उसने अपने दूत को अंदर भेजा, बोले जा ले आ, तो दूत अंदर गया तो भाई 10 खड़े, और उसने कहा यार वेरी कंफ्यूजिंग साले एक जैसे, इतनी उत्कृष्ट इतनी कमाल की चीज़ बनी कि 10ों एक जैसे लग रहे दिख रहे यार कोई फर्क ही नहीं। तो उसने कहा महाराज मैं तो खाली हाथ आ गया वापस लाइफ में पहली बार। बोले व्हाट द नॉनसेंस, ये क्या किया तुमने, पहली बार मृत्यु का समय चेंज कर दिया किसी का। बोले ये नहीं हो सकता। बोले महाराज 10 है अंदर, आपने एक को लाने को बोला है। बोले बाकी सब क्लोन्स हैं मुझे पता है, उसको ओरिजिनल वाले को लाना, जब दूसरों का टाइम आएगा आएंगे। बोले पर महाराज मैं पहचान ही नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है, मेरी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यमराज ने कहा दफा हो यार साले, कौन अकल दे तुम्हें, चल मैं जाता हूँ। अंदर गया यमराज, ओहो आँखें हतप्रभ रह गई लेकिन ज्ञानी। उसने जाके अंदर देखा, 10ों के आगे खड़े होके बोला क्या कमाल बनाया तूने साइंटिस्ट, गजब बना दिए तूने, ऐसे क्लोन धरती पर नहीं हो सकते, लेकिन एक कमी है। जो ओरिजिनल था वो बोला अबे कौन सी कमी है बता मुझे। बोले ये वाली आ जा, ये ईगो है, इसे ईगो बोलते हैं। आपने कमी, इस शब्द पे ध्यान दें, ईगो सिर्फ कमी देखती है। इसलिए आपने जब देखा दुनिया बड़ी गंदी है, दोस्त बड़े बुरे हैं, माँ बाप बड़े खराब हैं, बच्चे बड़े बुरे हैं, आप कमी देख रहे हो, आपका ऑटो पायलट का सॉफ्टवेयर चलेगा। और ऑटो पायलट में अगर ये लिखा हुआ है बचपन से संस्कार भरे हुए हैं कि जिंदगी तो नरक है यहाँ तो सब पापी हैं, तो आपका ये ऑन हो जाएगा, दादाजी वही करके दे देंगे। आपका बच्चा फेल हो गया, आप कोस रहे हैं साला नलायक है, दूसरा ये बड़ा लायक है, दादाजी तक पहुँच गया भाई, ये नलायक रहना इस बाप के लिए और ये वाला लायक रहना। आप बोलो नहीं है इसके भाग में पढ़ाई, कोई बात नहीं। आ, 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 आ,
नहीं वो खुशी कभी गम था, सॉरी गलत हो गया, हाँ सॉरी कंफ्यूज हो गया, हाँ आनंद फिर आनंद हो। शाहरुख खान कहता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कहाँ होती है, चलो कोई बात नहीं, शुक्र के पास हो आप, आपका काम 584 दिन का है, स्पीड से होगा, स्पीड से चलेगी जिंदगी, बढ़िया धांसू होएगा काम, नीचे के चक्कर पे भाड़ में जाए 2 साल में हो जाएगा, 1 साल है ना आपकी जिंदगी धरती की, 1 साल का 1 वर्ष सूर्य के इर्द गिर्द। अब आप कहते हो ये क्या किया, ईगो, बृहस्पति पे चले गए, कितना समय लगाएगा, 12 साल। आपने कह दिया ओ नरकी हो गई जिंदगी, कहाँ गए, शनि पे चले गए, 30 साल, और आपने कह दिया ना भाई ये तो पाप है। सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कैसे करना है इसकी एक्सरसाइज बताऊंगा अभी मैं, कि इसके थ्रू हम इसको चेंज करें ताकि ये चेंज हो। हाँ जी बोलो। अब तो पार्टी टाइम आया है, पार्टी टाइम मेरे हो भी नहीं करता। अब आपने क्या करना है, जो आपका मन नहीं करता, मन ये रहा, इस मन में फिट रहा, बच्चा ऐसा होता है, बेटी वैसे होती है, पति वैसा होता है, ऐसा ना निकले वैसा ना निकले, वो होता चला गया। अब आपने नया लेना, अब आपने अच्छा हो गया ना, अब इसके आगे के लिए आपने क्या करना, नया डायरेक्शन चाहिए लाइफ में। अब दादाजी से नया डायरेक्शन लो, तो कैसे होगा नया डायरेक्शन, रोज का उड्रू उड्रू करो, मस्ती मारो, कुछ नया करो, पुराने को कंफ्यूज करो, इसको अपने सॉफ्टवेयर पे मत चलने दो। आपका रोज का नया सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ नवीनता चाहिए जीवन में, अपने आप को चेंज करो, हैबिट ब्रेक करो। इस ब्रेन में वो होता है जो रेगुलर होता है, हमेशा ऑटो पायलट आदत से बनता है। आदत है बॉडी को, गाड़ी चलाने की बॉडी चला लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आदत है बॉडी को, फ्रिज में हाथ डाला, पानी लिया, ऐसे पिया, आदत है, इतनी वेल ट्रेंड है। अब नई आदत डालनी है, अब खाली आप हो गए, अब खाली होके क्या करूं, अब आप ये कमांड लो कि मैं खाली हो गई हूं, दादाजी ने खाली कर रखा, खाली हो गई हूं कमांड रखा। अब आपने ये सोचना है, खाली इंसान क्या करता है, खाली इंसान क्या करता है, मनन, मनन कहते हैं, मन के आगे जाना, चिंतन, चिंता और चिंतन वो यहां से होता है, ये आप है, आपका घोड़ा है। अब हमने करना है मनन, बहुत सुंदर बात हुई है, अच्छी बात निकली है। आप सब बैठे बैठे अपने पास आज घर जाएंगे, घर जाके एक पेपर पेन लेंगे और पेपर के ऊपर लिखेंगे जिसकी जैसी समस्या, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यार मुझे पैर में दर्द है, पैर में दर्द। दूसरा, यार पापा मेरी सुनते नहीं। तीसरा, यार मेहनत करता हूं पैसे नहीं आते, पढ़ता हूं रिजल्ट नहीं आता। ये लिख लो, ठीक हो गया। अब आपने आइडेंटिफाई करना है, यार मेरे पिंगू ब्रेन में मैंने क्या क्या कमांड डाल रखी हैं, जो साला दादाजी वही कर रहे हैं। मुझे ये देखना है कि यार मैं ना फेल क्यों होता हूं, दुकान पे जाता हूं काम नहीं चलता, पेपर पे जाता हूं पेपर पास नहीं होता, तो यार मैं दुकान पे जाने से पहले ऐसे तो नहीं बोलता, क्या साले भाइयों का काम ज्यादा अच्छा चल रहा है, साला मेरा ही खराब है। ओहो दादाजी सुन रहे हैं, भाइयों से कम ही चलना है, अच्छा आज से मैं अब ये नहीं करूंगा, भाई का कैसे चल रहा है भाड़ में जाए, मैं ये तो नहीं बोलता पेपर पे जाने से पहले, यार बड़े डिफिकल्ट पेपर है, मैं भिखारी तो नहीं बनता, या चक भीख मांगता ना, एक आदमी प्रीलिप करके बर्बाद होता है, एक लॉलीपॉप में, एक ईगो में और एक भिखारी, बैगर का रहता है याचक। हाँ जी, एक तो माँ बोलती है बेटा पेपर अच्छे से करके, इसको एक मिनट होल्ड रखना, अभी यही बता रहा हूं, पहले कर दूं, इस पॉइंट को जरूर छोड़ना मत। अब भिखारी बन गया, भिखारी का याचक, याचक कहते हैं भीख मांगने वाला मूलाधार। यार मैं पेपर पे जाने से पहले ये तो नहीं कहता रहता पास करा दे भगवान तू पास करा दे, या मैं ये तो नहीं कहता इस बार तो मैंने पास होना ही है, मैंने क्या करना है, मैंने बताया ना 100+ 100+ 104+, मैंने इस बार बोलना है, देखा जाएगा यार भाई कर देते हैं, भगवान तेरी मर्जी, देखा जाएगा, अब नहीं करने, मेरे इतने सारे सेल थे, देखा जाएगा, पे यहां था यार मैं नहीं करूंगा। जो सेल एक होता ना ये वाला जो कहता नहीं करना, ये कैंसर सेल होते हैं, ये बढ़ते चले जाते हैं और ये लड़ते हैं अपने पुराने सेल से कि जब मैं कह रहा हूं नहीं करना है तो सालो तुम क्यों कर रहे हो, ये होता है कैंसर। इसकी भी डिटेलिंग कर सकते थे लेकिन अलग पॉइंट है। तो मैंने यहां गाड़ी लूंगा, मैं पास हो जाऊंगा तो मैं नंबर बनाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, ये सब आउट।
मैंने सारे सेल इकट्ठा करने, 10 का 10 लाख चाहिए मुझे, और मैंने सारे सेल से क्या बोलना है देखा जाएगा यार, पेपर देते हैं, अर्जुन बनना है, अर्जुन कैसे बनना है देखा जाएगा यार, पेपर देंगे मैं बाण चलाऊंगा देखेंगे यार, जब साला रिजल्ट ही मैंने नहीं चेक करना, पेपर मैंने नहीं और होना नहीं देखा जाएगा। अब ये देखना है यार कि बुक माय शो पे अब अगली पिक्चर कौन सी आ रही है, और मैं पेपर निपटा के मस्ती मारू, खत्म। मस्ती मारने की प्रैक्टिस जारी रखनी है। मैंने यही बोलना है दारू मैं तो लिवर ही नहीं, खराब कहां से होगा, टेंशन खत्म, मेरे फेफड़े ही नहीं है, सिगरेट पी ली, ऑक्सीजन के बिना चल रहा हूं, टेंशन ही खत्म। जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे फेफड़े क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, छोड़ क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके हैं, बॉडी के। अंदर जो चक्र है वो किससे चल रहे हैं, जो सातों चक्र धो रहे हैं बॉडी की धुलाई, वो चल रहे हैं किससे, प्राण से, किससे, ईथर से। सूक्ष्म शरीर कहां है, एथरिक बॉडी, ये शरीर के अंदर क्या है, सूक्ष्म शरीर, ये चलता है प्राण से, तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अंदर ईथर जा रहा है, और ईथर ही जीवन को चला रहा है। तो मैंने प्राण के बारे में सोचना है, प्राण नहीं हमारा बेटा हमारी बेटी पुराने वाले में मत जाना, जो प्राणमय कोश है आपका वो कोश सही है, तो मनोमय मन मुन्ना का कोश शरीर को कुछ नहीं करेगा, चिज्जियां धार धार बनेगी, एक चीज में भी दिक्कत नहीं होगी। आपने जो हार्ड वर्क करना है डिटर्मिनेशन से करना है, डिटर्मिनेशन मतलब सारे सारे के सारे सेल एक साथ रखने, और यार 10 लाख खत्म, यार डील खत्म, 10 लाख मुन्ना फटकाएगा, 10 लाख है क्या करेगा, शांत शांत, कमांड करनी है बात करने से पहले, मुझे अपने, मैं भी बताऊंगा किस टाइम करनी है कमांड देनी, कमांड समझ लें, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, और मुन्ना देख ऐसा है मैं 10 लाख रुपए की कमांड डालूंगा, मुझे 10 लाख रुपए मांगूंगा दादाजी से, जिसका जो नाम है, कुल देवती का नाम ले लो, भगवान का फलान ढिमकान जो मन करे, मैं दादाजी बोलता हूँ कि दादाजी से करूंगा, और दादाजी मुझे देंगे मैंने 10 लाख रुपए लेने, और मुन्ना देख ना मुझे गाड़ी दिखाइयो ना सपने, मुझे किसी उधेड़बुन में नहीं डालना, और जब तक वो चीज आ नहीं जाती तब तक शांत रहना। अगर आपने मुन्ना को ये नहीं बोला तो कल फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी शांत रहना बोला है, अभी शांत रहेगा वो। अब शांति को समझ ले, शांति क्या होती है, कहते ना चार दोस्त यार शांति चाहिए यार, अब शांति कहां मिलेगी, देहरादून जाएंगे यार, वहां क्या करेंगे, सारा कुछ नहीं करना यार, हार्ड वर्क नो वर्क, शांति कब मिलेगी, नो वर्क, यानी आखिर में शांत होना है, अबे तो हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो, आपने सुखी होना है, बढ़िया नींद लेनी है, शांति की नींद लेनी है, कैसे लोगे, क्या काम कर रहे हो सोते, कुछ भी नहीं, फर्स्ट क्लास नींद नहीं आ रही है, नहीं थोड़ा सा काम कर ले, सोए सोए भी कर ले, नींद आ ली, सारी रात अधमरे हो जाओगे, नींद टूट जाएगी। ऐसे ही आपने जो भी कमांड मैंने बताई कि 10 लाख दे दे, और मुन्ना यार जब तक काम पूरा ना हो 10 लाख नहीं आते, तंग मत करियो, और सर लिख लो चाहे कहीं, भाड़ना जलाना मत, नहीं तो फिर होएगा नहीं, संभाल के रख लो कि मैंने कितने साल पहले की थी, एक डायरी बना लो आगे की प्रैक्टिस के लिए, बाद में मानसिक हो जाता, मुन्ना ही याद दिला देगा, उसको भी कह सकते हो और जब ये काम हो जाए मुन्ना याद दिला दी मैंने कमांड दी थी, क्योंकि 10 लाख आने के बाद अगर पागल हो गया तो तू छीन भी लेगा, आपने कमांड देना है। अभी देनी कब है कमांड, ये तैयार कब होता है, जो जिंदगी में होना है वो इसकी वजह से होना है, ब्रेन तैयार कब होगा, आपने खूब मेहनत करी, कहां से करी, यहां से करी, स्पीड क्या है 40, यहां क्या है 40 लाख, सुनेगा कौन 25 लाख, काम किससे होंगे 40-25, ये कितनी दूर है, इसलिए मेहनत कर करके मर जाते हो, होता वो ये जो मंजूर खुदा होता है, या तो ज्ञानी हो जाओ, हे वही जो राम रची राखा, तो फिर ऐसी की तैसी करो और जियो जिंदगी, अगर कुछ करना चाहते हो तो आपने इसको बदलना है। कब कब बनता है ये ब्रेन, छोटी उम्र में तो बनता है थीटा के तौर पर 4 से 7 साल, और ये थीटा हमारा रोज ऑन होता है 2 बार, एक बार रात को सोने से ठीक पहले जब हम उनींदे होते हैं, मच्छर आ रहा है, इतना पता आ रहा है मच्छर लेकिन मार नहीं सकते, और सुबह उठते टाइम उठना कैसे उठे, उठाने जा रहा, उनींदे हो आप उनींदे, यानी कि उस समय बनता है ये ब्रेन। तो रात को ठीक सोने से ठीक पहले, दिन में करो चाहे लेटे लेटे, आपने यहां पर बैठे कमांड्स देनी है, आपने यहां देखना है कि आपके पेट में हर समय गड़बड़ रहती है, अल्सर रहती है, तो अब सोते समय आपने क्या कहना, और क्यों रहती है, क्योंकि आपने कई सालों की प्रैक्टिस कर करके नास पीट रखा पेट का, क्लास लंबी हो जाएगी बता नहीं सकूंगा, कि पेट के ऊपर मूला नाभि केंद्र के ऊपर मणिपुर चक्र पे कमांड दे देकर उसको जला डाला है, और दादाजी ने वो कर दिया है। अब चूंकि कर दिया तो आपको पता होना चाहिए यार हुआ तो मुझसे ही, आपने अब कहना है इसको ठीक करना है, कैसे करना है, आपने यहां करेक्शन करनी है, इसको पता है
तो इसने सो जाना है नींद के टाइम, इसने सपने दिखाने, काम इसने करना है, तो इसको तो पता चलेगा नहीं, तो इसको कमांड दो पहले, जब मैं नींद की हालत में हूं, नींद पे ठीक जाने से पहले मुझे याद दिला देना, सब मैं ही मैं हूं, मैं जब नींद की ठीक हालत में जाने से पहले मैं सोने वाला हूं, उस समय मुझे याद दिला देना कि मैंने कमांड देनी है अल्सर ठीक हो। ठीक है, अब अल्सर वर्ड बोलोगे तो क्या होगा, दादाजी तो बोले वो फिर अल्सर अल्सर सुन लेंगे, तो आपने क्या करना है, ये नींद पे जाने से ठीक पहले आपका दिमाग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अचानक से आएगा, अचानक एक थॉट आ जाएगा, ऐसे नींद आ रही है आपको, अचानक से आएगा एक थॉट, फ्लैश में आते हैं, ओ कमांड कमांड, हाँ याद आ गया याद आ गया। बड़ी कमाल की बॉडी है मनुष्य, वहां पर आपने कहना है पेट स्वस्थ पेट स्वस्थ पेट स्वस्थ, और आप सो जाओगे, सो जाओगे, दादाजी के पल्ले उस समय की नई कमांड आएंगी और दादाजी से स्वस्थ करने में लग जाएंगे। अगर आपने रो पिट के किए तो प्लूटो की स्पीड से होंगी, 240 साल में आपका अल्सर ठीक हो जाएगा। और अगर आपने चंद्रमा की स्पीड से किए, माँ का पिता का मान सम्मान, माता पिता होते हैं चंद्रमा सूर्य, भले ही नालायक हो करना पड़ेगा, उनके सम्मान से किए, ऊपर की ओर जाके किए, देखा जाएगा यार तो ढाई दिन में ठीक हो जाएगा, ढाई दिन में डॉक्टर की दवा लगने लगेगी। अब ढाई दिन बाद आप फिर सोने पे जाओगे, कहां सोने पे सुहागे होते हैं, ढाई दिन बाद सोने पे जाओगे, यार कमांड देके मुझे ठीक करना आ गया भाई, ईगो, आप कहोगे यार ये ढाई दिन तो डॉक्टर की दवाई लगी मुझे, डॉक्टर साहब आपकी दवाई से फिर खराब हो गया, डॉक्टर कहता है फिर खाते रहो पूरी जिंदगी, मेरे बस की तो है नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता। जिसने अपने आप को तटस्थ कर लिया, तटस्थ स्वस्थ स्वस्थ स्वयं में स्थित, तट के पास स्थित, वो फिक्स हो जाएगा, ईगो शिगो को ऑब्जर्व करेगा, ईगो शिगो आती रहती है, कोई बात नहीं यार ठीक है, जिंदगी फर्स्ट क्लास चलेगी। तभी तो लोग कहते हैं यार आखिरी मिनट जुगाड़ हो जाता है भाई और फिर वही कंगले, और यार आखिरी मिनट काम हो जाता है हम फिर वही रोना रोना, तो भिखारी बन के नहीं मांगना, लॉलीपॉप में नहीं फंसना, ईगो नहीं करनी और प्रीलिव नहीं करना, इसके लिए बाकी क्लासेस समझनी पड़ेंगी, बहुत हैवी वर्क है। इस मशीन को चलाने के लिए ये ना सोचो एक क्लास चलेगी, 20 साल लगते हैं एक बच्चे को ग्रेजुएट बनाने में, कम से कम 50 घंटे की क्लासेस, यानी कि 25 क्लास मिनिमम खोपड़ी में घुसाओ, 10 पैसे सिलेबस आ जाएगा। और प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करो, इस पे करो हार्डवर्क, कि मरते मर जाएंगे साले, ये प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, यहां करके दिखाओ हार्डवर्क कि रोज करना है, और देखना ईश्वर यहां से बना के देगा 10 लाख, अपने आप लोगों को 100-100 करोड़ बना के देता है यार, चमत्कार से कम है क्या। एक बाप रात को सोने के लिए जा रहा है, नींद के टाइम इमीडिएट ध्यान आता है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, सब अच्छा है, बेटा बड़ा नालायक काम ये करता, बड़ी बेवकूफ सी बहू लाएगा, नालायक बच्चे पैदा हों। अब उसके जीवन में 10 साल बाद वो हो जाता, फिर वो कहता है मैं ज्योतिषी था मुझे पता ही नहीं। आपके जीवन में सारी घटनाएं दुर्घटनाएं आप ही कर रहे हो और आप ही इसे स्वस्थ कर सकते हो, इसलिए इस कमांड को रोज की नियम आदत में डालो, फालतू के मूलाधार पर जाके मत टिके रहो, वहां भी 30 साल लगेंगे अल्सर ठीक होने में। हर हालत में बृहस्पति को पावरफुल रखो, गुरु को स्वस्थ रखो, मानसिक लाइफ बढ़िया रखो, मस्ती होती है बृहस्पति में, यानी आप किसी भी बात में मस्ती ढूंढ सको, ये गुरु बुद्धि है। और जब आप ऐसी स्थिति में होते हो, आपका बृहस्पति आपका सेक्स चक्र ये स्वादिष्ठाना नीचे खींच लेता है सब कुछ, मल और मूत्र का निकास होता है जीवन से और जीवन स्वस्थ होता है। आप वो टेबल खरीद के लाते हो जिसे कभी दीमक नहीं लगती, अपने आप होता है ऐसा। ऐसी जॉब में आप जाते हो जिस जॉब में आपके बॉस से कोई पागलपन होता ही नहीं, ये फालतू का ईश्वर बाहर ढूंढना चिज्जी बनाना साथ ना जाएगा, साथ क्या जाएगा, ये जाएगा साथ, ये दादाजी फिर रह जाएंगे। ये कौन सा ब्रेन है हमारा, रेप्टिलियन ब्रेन, रेप्टाइल है ये, इसलिए जानवरों का नाक से यहां से बॉडी होती है शुरू, उनका यही होता है, वो खाते हैं सेक्स करते हैं बच्चे पैदा करते हैं घर रह बनाते हैं अपना और मर जाते हैं, ये इमोशनल ब्रेन है, ये है थॉट बना इससे इमोशन बनी, जिस थॉट की आपने इमोशन नहीं बनाई वो डेड हो गया, जिस थॉट की इमोशन बना के फील कर लिया वो हो गया। कितना सिंपल है, करने में उतने तोते उड़ेंगे, रिकॉर्डिंग इसी बीच में होती है सब यहां।
खाली करके जाओ, सब यहाँ होता है, यही रिकॉर्ड करके सांस का धागा लेके ऊपर जाएगा मुंडा, अगले जन्म में फिर आ जाएगा, इसके पास सारी रिकॉर्डिंग है, ये खाली कर, इसको देना है, इसे लेना है, इसे खाली करना, मतलब जो हुआ एक्सेप्ट, इसने चोरी कर ली मुझसे, नहीं चोरी की, इसी का था लेके। आप कहते हैं कमांड एक ही बार देनी है और भूल जाना, या कमांड रोज सुनते हुए देनी है? आपने जो एक बार देनी और भूल जाना, आप किसी व्यवस्था में दीजिए, अगर आप उतने दृढ़ हैं तो आपने कई बार देखा होगा बड़े इनोसेंस में कोई एक चीज आपने कभी बोल दी होगी और भूल भी गए होंगे और वो हो गई इनोसेंस में। जो ज्ञानी है वो जानता है, वो एक ही बार बोल के भुलाना जानता है, भूलने का बटन नाभि पे है, वो हनुमान बैठा है, वो करते हैं, उसकी साइंस को समझना है। भाड़ में जाए, हम भाड़ में जाए और चलो कोई बात नहीं के बीच में रहते हैं, चलो कभी ऐसे भी सही झावलडन और देखा जाएगा। आप यहां पहुंचते तो बहुत ऊपर की स्थिति है, ये बड़ा ताकत चाहिए बोलने के लिए, देखा जाएगा यार, बहुत ताकत चाहिए। प्रेशर नहीं लेना, जिद मारोगे मुन्ना फोटो कॉपी बना के नीचे फेंक देगा, वो तो करना ही नहीं, उसके लिए आपको गार्बेज वगैरह क्लास देंगे। वैसे ही होंगे ना, 15 साल वाला चेंज कैसे करेंगे? यही तो कहता हूं मैं, इसको नौकर रख लो ना, इसको नौकर रख लो। ये तो मैं वो बता रहा हूं कि आपके जीवन में जो हार्ड वर्क का स्यापा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए, फल नहीं मिल रहा, चिज्जी नहीं बन रही, वो यार क्यों नहीं बन रही? मैं बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूं आजकल, मैंने बहुत ये किया, फिर मेरी कमर में उल्टा और दर्द हो गया। लोग ऐसे हैं जो कहते हैं योगा कर रहे हैं हम तो, और ये पैर खिंच गया, यार तुम्हारे योगा से लोग ठीक होते हैं, तुम्हारा खिंच गया, तुम हार्डवर्क कर, तुम नीचे के चक्कर से कर रहे हो कि मुझे तो ऐसे करना और ये करना और जिद है और ईगो है, टूट जाएगी टांग, टूट जाएगी। यूरेनस नेपच्यून प्लूटो इंद्र वरुण यम, ये बड़े भयंकर देवता है, इनकी देव के तौर पर कथा बताई है, ये साइंटिफिक है, यदि इस साइंस को आप समझेंगे, रिलीजन हमारा भरा पड़ा इससे, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से समझने समझाने की बात है, सब खिचड़ी मिला के, ये हमारे सेल है, हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सारे सेल एकत्र करके एक शक्ति के अधीन चलाने, हमारे हजार सेल किसके अंडर चल रहे हैं? मुन्ना के अंडर चल रहे हैं, चमको के अंडर चल रहे हैं, गुरु के अंडर चल रहे हैं, किसके चल रहे हैं तो पता करो, वही तो होगा फिर लाइफ में, वही तो होगा, इसीलिए आपको साध लेना है। मस्त रहेंगे आज से यार, आपसे मस्त रहेंगे, फिर थोड़ी देर में फिर वही हो जाता है कलेश शुरू, क्योंकि ये ऑन है, यहां रहे मेरे पास 2 घंटे की क्लास, यहां गए से मेरे से दूर 40 घंटे की लाश, क्योंकि ये चलोगे इसी पे, क्योंकि बॉडी को जो आदत है, सोचने की जो प्रैक्टिस है, चलने का जैसे सिस्टम है, वही ऑन होगा बाद में, क्योंकि खोपड़ी जाते ही ऑटो पायलट पकड़ लेता है, यार बॉडी को सर्वाइवल पे लेके जाना है, आप अपने आप चलते हो ध्यान से, अपने आप आपके पैर से ही जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए पता होता है, बहुत खो गए तो टूटी टांग, नहीं तो कहां चलते रहते, इतने बड़े 50 साल की जिंदगी में 2-4 एक्सीडेंट तो होते हैं आपके, अगर ऑटो पायलट ना हो तो हर घंटे में एक, इसलिए इस ऑटो पायलट को पुराने सॉफ्टवेयर के ऊपर नया चढ़ाना है, ये नहीं खत्म होगा, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसको सुनाने की स्पीड है 40, ये सुनने की स्पीड है 40 लाख, आप नहीं यहां बोल सकते, इसके थ्रू नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जो छोटी उम्र में बच्चों पे बनता है, इसलिए कहता हूं मैं, माँ बाप अत्याचार करते हैं बच्चों का खून पी के, तो नलायक नेगेटिव नो नहीं बोलना। जो व्यक्ति जीवन में सुखी होना चाहता, आनंदमय कोश में जाना चाहता है, उसे जीवन में बोलना है यस, खत्म हो गया। हार्ड वर्क करता है मुन्ना और बॉडी, स्मार्ट वर्क करता है बॉडी, मुन्ना और इंटेलिजेंस, हैप्पी वर्क करता है इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, हमारी मैं बुद्धि और कृपा। आपने यस बोलना सीख लिया, सारे टाइम तो रोना रापा मचाए रखते हैं, इसीलिए ये भोला भंडारी रेप्टाइल ब्रेन पंगे करता है, ये रेप्टाइल ब्रेन है, ये इमोशनल ब्रेन है, और ये नियोकॉर्टेक्स ज्ञान, यहां ज्ञानमय कोश है, यहां कॉन्शियसनेस है, इसलिए स्वयं को प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, ना खुद को कभी कोसो, ना घुटने को कोसो, ना मामा जी को कोसो, ना अपनी गाड़ी को कोसो, ना उन कीड़ों को जो घर में आ गए, सब यहां पर फीड हो जाता है और वही होने लगता है। इसलिए जीवन को प्रसन्नता से जिए, एक्सरसाइज करें, नियम बनाए सोने से ठीक पहले। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलो कर देता हूँ पूरा, ये कह रहे हैं कि माता पिता के बार बच्चों को कहते हैं बेटा अच्छे से करके आना पेपर, फलाना करना, इसमें माता पिता के ब्रेन में अच्छे से क्या है, वो रिजल्ट आएगा। माता पिता का अच्छे से मान लो 70% है, तो 90 लाने वाले बच्चे के भी 70 आ जाएंगे। छोड़ दो बच्चों को, छोड़ दो,
कुछ बोले ही नहीं। क्यों बोल रहा है? इंसान के बच्चे हैं वो, चट्टान में से निकाल के लाए हो। इसकी क्लास सुनो पूरी, देखा जाएगा नाम से क्लास है। सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी को पकड़ना है, देखा जाएगा। ये हमारे थर्ड आई से ऊपर जाता है। हाँ जी, आपको कुछ समझ नहीं है तो बेस्ट हो, सुखी हो। नहीं, खाली बैठ के लड़ाई होती है ना, तो ये कमांड सोते हुए दो कि मुझे काम करना है, खाली नहीं बैठना। नहीं वर्ड नहीं आएगा, कार्य चाहिए, कार्य चाहिए, कार्य आ जाएगा सोते हुए। तो बोल दो, अगले पे डिपेंड करता है उसने लिया कि नहीं लिया। बच्चा क्यों माँ के सोचने से बीमार पड़ता है? उसने ले लिया, माँ है। पड़ोसी क्यों नहीं होता? वो हमें लेता ही नहीं।